है इस गुंडे की, लिखा है कि एक और YouTube का गुंडा। मैं आपको बताता हूं कि इस व्यक्ति की कुछ हरकतें आपको मैं बता देता हूं। तो सबसे पहले आपके लिए मैं YouTube ओपन करना होगा मुझे, और इस महाशय को आपके बीच में रखूंगा। तो मेरे पास आया जो है ये डेनियल राज का वीडियो है, और इस वीडियो में एक लड़की टेस्टिमनी दे के तुम okay, ये फिर से सुनते हैं। ये कोई वरदान नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। एक वीडियो मेरे पास आया जो है ये डेनियल राज का वीडियो है, और इस वीडियो में एक लड़की टेस्टिमनी दे रही है, और ये वीडियो देखकर मुझे मतलब बहुत अजीब भी लगा, और सच बताऊं तो मुझे ताव भी चढ़ा, क्योंकि ओके, इस व्यक्ति को अजीब लगा, इस व्यक्ति को अजीब लगा, और इसको क्या चढ़ा? ताव चढ़ा। ताव चढ़ा, देखो क्या कर सकती हो। इस व्यक्ति को अजीब लगा और इसको ताव चढ़ा। ताव समझते हैं आप? रुबाब, गुस्सा, चिढ़। मैंने प्रोग्राम का नाम क्या रखा है? आत्मिक जलन। चढ़ा आत्मिक जलन का शिकार, चढ़ा यूट्यूब का बुखार, यही रखा है ना प्रोग्राम का नाम। तो इस व्यक्ति का नाम है अपोस्तल विनोद। इस व्यक्ति का नाम है ओके, मेरे को वो दे दो जल्दी से, तुम्हारा 777। इस व्यक्ति का नाम है अपोस्तल विनोद, लिखता है अपने नाम पर। नहीं, वो व्हाट्सएप ओपन करके दो, मतलब वो जो हाँ इसका इसका है ना, इसमें इस आदमी का है ना। ओके, कोई नहीं। इस व्यक्ति का नाम है अपोस्तल विनोद, अगर मैं गलत नहीं हूं। ये महाशय, इनको किसी ने मेरी वीडियो भेजी, और मैं चाहता हूं कि जितने इसको जानते हैं, उत्तराखंड से है ये शायद, और जितने लोग देख रहे हैं, और अगर आपको पता है इसको तब क्या कहते हैं, जल्दी से कॉल करो और बोलो कि डैनियल राज अपने डिबेट शो में, रैंडम डिबेट शो में आपको एक्सपोज कर रहा है। ऐसे इसको कॉल करके बता दीजिए अगर कोई जानता है। और मैं चाहता हूं कि ये आदमी डरपोक, क्योंकि इसको कॉल गया था हमारी तरफ से एक साल पहले, ये डरपोक निकला, नहीं आया सामने। तो इस व्यक्ति को आज हम एक्सपोज करेंगे, लेकिन दिमाग में ये भी रखना कि मेरा मकसद क्या है ऐसे लोगों को एक्सपोज करने का, क्योंकि ये वो लोग हैं जो मसीह की दय में फूट विभाजन डिस्प्यूट करने का काम कर रहे हैं। इसकी मिनिस्ट्री है, इसका अपना चर्च है, इसका अपना सब कुछ है। तो भाई अपना काम करते, चुपचाप अपना चर्च चलाते, चुपचाप अपना प्रचार करते। आपको जब मुझे देखा, आपको मेरा मिनिस्ट्री दिखाई दिया, आपको मेरे फॉलोवर्स दिखाई दिए, आपको मेरा तरीका दिखाई दिया, मैं कैसा दिखता वो दिखाई दिया, और आप हो गए जलन का शिकार। विनोद, आप हो गए जलन का शिकार, और आप क्या कह रहे हो रख रहा हूं, आइए सुनते हैं। अच्छा हाँ, इसमें लिखा है क्या इसका नाम? बाद में रखते हैं। ये व्यक्ति जो है परमेश्वर के लोगों को स्वर्गीय वरदान से, वो वरदान जो परमेश्वर की ओर से दिया जाता है, उससे दूर रखने के लिए इस बंदे ने मुहिम चलाई हुई है। तो इससे पहले कि मैं आगे बात करूं, आप पहले पूरा वीडियो देख लो। ओके, तो इसके मुंह से आपने सुना कि मैंने क्या चलाई हुई है, मुहिम चलाई हुई है। तो विनोद, तेरे को क्या तकलीफ है? और तेरे वीडियो बनाने से एक साल पहले क्या मैंने अपनी मुहिम रोक दी? तो इन शॉर्ट विनोद, मैं तुमको बोल रहा हूं, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे वीडियो को उठा के तुम YouTube पे गुंडा बन के? और जो इसके फॉलोवर्स है ना, आप लोग यही सीखोगे इससे? आप ऐसी चीज सीखोगे इससे? आत्मा का फल किधर है? नम्रता कहाँ है? और वो छोड़ो, अपोस्तल विनोद, मैं तुमको एक सवाल पूछता हूं कि इससे पहले तुम मेरा वीडियो प्ले करो, क्या जब तुम्हारे हाथ में वीडियो लगा और जब तुमको ताव चढ़ा, दूसरे शब्दों में जब तुमको
तुम प्रवोक हो गए गुस्से में और ऐसा वीडियो बनाने के लिए, तो तुमको बाइबल क्या कहती है? क्या बाइबल ये नहीं कहती है कि जाकर पहले उससे अकेले में बात कर, फिर दो को ले जा, फिर चर्च को ले जा, या फिर फ़ोन कर लेते कि डैनियल भाई मुझे आपका ये ठीक नहीं लगा और मैं इसके ऊपर आपसे बात करना चाहता हूँ, मैं इसके ग्रुप के लोगों को भी पूछ रहा हूँ जो इसको फॉलो करते हैं, वो सब यूथ सिस्टर्स ब्रदर्स सबको पूछ रहा हूँ, ऐसे है अब तुम्हारा अपोस्तल? किसी की वीडियो देखी और इसको लग गई मिल्ची, क्या बोलेंगे? और जिसके चलते ये आ गया ताव में, और वो कौन सी वीडियो है जो इसको पसंद नहीं है? तो ऐसा विनोद, मुझे भी तुम्हारी बहुत सारी बातें, अब मैं आज देख रहा था मुझे नहीं पसंद आई, तो क्या मैंने उठाकर वीडियो बना दी तेरे विरोध में? नहीं किया ना, मैं किसी की विरोध में बात नहीं करता या वीडियो नहीं बनाता, लेकिन तुम जैसे लोग मेरे पीछे पड़े, अब भुगतो, अब तुमको जवाब दे रहा हूं, और तुम खुद जानते हो कि तुम्हारी वीडियो कितने देखते हैं और मेरी वीडियो कितने देखते हैं। बड़ा शौक है ना तुमको फेमस होने का, दूसरे का नाम लेके। अब मैं तुमको फेमस करता हूं, लेकिन गलत तरीके से, गुंडे वाले टैग देकर। आइए इसकी वीडियो, जो वीडियो इसको तकलीफ दे रही है ना, वो वीडियो प्ले करता हूं। ओके, एक सिस्टर है पीछे, और क्योंकि उन्होंने मुझसे खुद कहा और मुझे वो टॉपिक अच्छा लगा जिसको लेकर मैं पूरे भारत में उसकी मुहिम चला रहा हूं, और वहां है जिब्रिश, स्पीकिंग इन टंग्स। चलिए, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। सबसे पहले पास्टर डैनियल राज को मेरी मम्मी ने सुनना शुरू करा था, और मैं बैकग्राउंड से रोमन कैथोलिक चर्च से बिलोंग करती हूँ, बट हमने 10 साल से वो छोड़ा हुआ है। बिलीवर्स में आ गए थे, कोई पास्टर मिले थे, और वहाँ पर जिब्रिश बोली जाती थी, जो कि मुझे तंग लगता था पहले, मतलब स्पीकिंग इन डिफरेंट लैंग्वेज, अन्य भाषा में बात करना। तो वहां पर इस चीज को बहुत बढ़ावा देते थे कि आप परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर से मांगो, वो आपको देगा, ये हेवनली लैंग्वेज है, आप इससे परमेश्वर से बात करते हैं। तो हम लोगों को इतना नहीं पता, तो रोमन कैथोलिक में ऐसा कुछ नहीं होता है, ना बाइबल इतनी पढ़ी जाती है, मूर्ति पूजा होती है, तो हमने वो सब तो छोड़ दिया था, हम लोग बहुत खुश थे। मेरी मम्मी जी को उन्होंने पास्टर जी की एक वीडियो शेयर करी थी, वो थी अच्छाई को। ओके, अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि एक सिस्टर है जो हमारे एमएमबी की है, दिल्ली की। पास्टर सुरेंद्र जी, अगर आप देख रहे हैं तो आपको भी पता चल गया होगा कि ये सिस्टर कौन है। इस बहन ने, इस लड़की ने, इनफैक्ट जो इनकी मम्मी है, हमारे चर्च की मसीह मंथन बैठक दिल्ली की मेंबर है, इस लड़की ने एक ऐसी गवाही दी जिसको मैं खुद सुनना चाहता था, वहाँ के लोग सुनना चाहते थे, और सबसे बड़ी बात विनोद, ध्यान से सुन, तेरे को तकलीफ होगा, मेरा परमेश्वर सुनना चाहता था। और मसीह की देह में ये जो गंदगी फैला के रखी है ना, जिब्रिश वाली, रबा रबा और शबा शबा, इसको हटाना है। और आपको बता दूं मसीह जनता, बड़ी तादाद में हम ये जिब्रिश बड़ी तादाद में लोगों के अंदर से निकाल चुके हैं, ये उसी की गवाही दे रही है। और जैसे ही गवाही दी, इसको लग गई मिर्ची। इसके अंदर का जो शरीर है ना, आदम का स्वभाव, ये खुद को अपोस्तल कहता है, इसलिए मैं बार बार अपोस्तल कह रहा हूं। अब मुझे नहीं पता कि इसको ये टाइटल किसने कहा रखने के लिए, क्योंकि अपोस्तल नहीं होते हैं, अपोस्तल अपोस्तलिक मिनिस्ट्री होती है। एनीवे, वो बाद में बात करूंगा, सुनिए इसने क्या कहा। तो आपने देखा कि टेस्टिमनी, सबसे पहली बात तो उससे लिवाइज आ रही है कि जो संगति में जो है ऐसे कपड़े पैंट्स वगैरह पहनी, हालांकि इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन वचन कहता है कि ऐसा कोई काम मत करो जिससे कि कोई ठोकर खाए और तुम्हारा पहरावा जो है वो लुभावना हो, ऐसा ना हो। ठीक, विनोद क्या सिखा रहा है, इसमें दिक्कत क्या है तुझे? सर पे तो पट्टा विनोद, तेरे को ओपन चैलेंज है, मुझे बाइबल में से निकाल के दिखा दे। इसकी शादी नहीं हुई है, इसका कोई पति नहीं है, सर पे दुपट्टा लेने के लिए किसको कहा है? पहला ग्रंथियों 11 अध्याय, जिसका पति हो। तुम क्या बकवास की टीचिंग देते हो विनोद, ये यंग लड़की है, इसकी शादी नहीं हुई है, और चलो शादी भी अगर कोई हो गई या वो वहां खड़ी होती, उसके बावजूद दुपट्टे का कॉन्सेप्ट,
जिसको तुम जानते तक नहीं हो, बाइबल को ठीक से पढ़ो, खास करके पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय वचन 16। पौलुस साफ कहता है ना परमेश्वर की ना कलीसिया की रीति है। उसने स्टेटमेंट दे दिया, उसके बावजूद तुम रूढ़िवादी में पड़े हो, तुम्हारी गलती नहीं है, तुम अभी तक उसमें से बाहर नहीं निकले। जिसको कहते ना कुआ, उसमें से बाहर नहीं निकले। तुमने जो देखा है ना वो सिर्फ कुआ देखा है। जब तुम्हारी मिनिस्ट्री, और मैं चाहता हूं कि तुम्हारी मिनिस्ट्री बढ़े लेकिन सही तरीके से, तुम पहले जिब्रिश से बाहर निकलो। तुम्हारी मिनिस्ट्री जब इंटरनेशनल हो जाएगी, जब तुम्हारी मिनिस्ट्री बाकी जाति कल्चर और अलग अलग है ना तरह के लोग आएंगे ना, जिसको यीशु कहता है गो टू नेशंस, जातियों में जाओ और उनको प्रचार करो, ट्राइब लैंग्वेज पीपल नेशन, फिर वहां पर तरह तरह के लोग आएंगे। क्या उनको यही बोलते बैठोगे कि तुम्हारे कपड़े कैसे हैं? यीशु मसीह कपड़ा देखता है कि अंदर का जीवन देखता है? विनोद, क्या बकवास की टीचिंग लेकर आया तुम? तुम्हारे चर्च में जो लोग आते हैं ना, उनको ये टीचिंग नहीं देना कि क्या कपड़ा पहनकर आ गए। चुपचाप रहना, उनको कहो कि प्रभु के साथ जुड़ो, उनको कहो कि प्रभु से प्यार करो, क्योंकि परमेश्वर कपड़ा चाहे कैसा भी हो, परमेश्वर कपड़े के बेस पे किसी का उद्धार नहीं करता। विनोद, क्या सिखा रहे हो? मुझे ताज्जुब है तुम्हारे लोगों के ऊपर कि तुमको ऐसा लीडर मिला। अभी तो तुम्हारा शुरुआत है, आगे तुम्हारा पोस्टमार्टम हो रहा है, और मैं चाहता हूं अगर तुमको दम है, क्योंकि एक साल पहले तुमको फोन गया था लेकिन तुम डरपोक निकले विनोद, और वो मैटर मैंने छोड़ दिया था, और तुमने अपनी वीडियो में अपने फोन में तुम जब कन्वर्सेशन चल रहा था तो तुमने क्या कहा कि डैनियल राज शैतान का चेला है। वाह बेटा, ऐसे शब्द तुम्हारे मुंह से निकलते हैं किसी दूसरे सेवक के लिए। तुमको क्या तकलीफ हो गई थी मेरे से? क्या मैंने तुम्हारा घर का कुछ चुरा लिया? क्या तुम्हारे पैसे लूट लिए कि तुम मुझे शैतान का चेला कहते हो? मसीह जनता, इस आदमी ने एक साल पहले जब इसको ये वीडियो हाथ लगा, ये इतना कावला बावला हो गया, क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, कावला बावला जो भी कहते हैं, इसके मुंह से निकला कि मैं शैतान का चेला हूं। मैं जानना चाहता हूं कि विनोद मुझे साबित करो, प्रूफ देना मैं शैतान का चेला हूं। कैंसल, तुम बहुत ज्यादा बोलते हो ना दुष्टात्मा निकालता हूं, 10 किलोमीटर दूर तक शैतान मेरे नजदीक नहीं आता। अच्छा जिसकी तुम वीडियो बनाए हो ना अभी, उसने 5 मुर्दे जिंदा किए हैं। विनोद ध्यान से सुनो, नंबर 1, मैंने इतने दुष्टात्मा निकाले ना तुम्हारी मिनिस्ट्री में तुमने नहीं निकाले होंगे। और वो छोड़ो विनोद, आगे मैं एक फोटो दिखाऊंगा। तुम कहते हो ना कि डैनियल राज ने कभी जिब्रिश नहीं बोला होगा, मतलब तुम्हारे हिसाब से अन्य भाषा, लेकिन मेरे हिसाब से वो जिब्रिश है। मैं तुमको एक फोटो दिखाऊंगा, तुमको अंदाजा लग जाएगा कि ये डैनियल राज कहां से बाहर निकला है, जिसको कहते हैं ना घाट घाट का पानी पी के बैठा है यहां पर ये आदमी। तो मेरे को सिखाओगे विनोद, तो तुम कपड़े के ऊपर कभी नहीं जाना, पहली बात। और मैं चाहता हूं जितने मसीह लड़कियां और जितने भी अलग अलग कल्चर से आते हैं, मुस्लिम्स हैं, बुद्धिस्ट हैं, पंजाबीज हैं, हिंदूज हैं, विश्व के किसी भी कोने से आते हैं, आपको जैसा कपड़ा पहनना पहनो, लेकिन कपड़ा दिया जाता है या पहना जाता है बदन ढकने के लिए। अगर बदन ढका है, कोई भी फैशन हो वो सही है, बदन ढका होना चाहिए, दैट्स इट। या अब सुनते हैं इसको। भजन बाइबल के बारे में सब कुछ बताती है, आपका पहनावा कैसा होना चाहिए, आपका सर ढका होना चाहिए, लेकिन आजकल ट्रेंड है तो खैर इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले इस टेस्टिमनी के बारे में। तुम वापस कभी बात नहीं करना, वापस बात करेंगे ना कभी बात नहीं करना, और अगर बात करना है ना तो अपने लोगों तक ही रखना, मेरे पास नहीं आना। अगर तुम मेरे पास में आए तो वापस यहीं पे एक्सपोज करूंगा तुमको। आगे सुनते दोस्तों। मैं आपको एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बताता हूँ, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। इस स्ट्रेटेजी के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपने बेकार प्रोडक्ट को, रद्दी से रद्दी प्रोडक्ट को, चाहे उसको खाने से या इस्तेमाल करने से लोगों को नुकसान होता हो, वो भी बिक सकता है। वो कैसे कि आप किसी इंसान के पास अगर समझो कोई दवाई है, वो उसका एक्सपेरिमेंट चल रहा है, तो उसको क्या करना है, उसको वो सीधे बेचने के लिए नहीं जाना, उसको उस दवाई को अगर वो सीधे जाके लोगों को बोलेगा कि इसको खाओ बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको, फ़ायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है वो अलग बात है, चाहे उसको खाने वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि इससे लोग मरते तो नहीं है, उसको खुद नहीं पता क्या होगा, लेकिन उसको लोगों के बीच में लेकर जाना है। अगर वो ऐसे एक्सरसाइज करो तो आपको ऐसे फायदा मिलेगा, भरोसा जीत लेगा लोगों का, भरोसा जीतने के बाद जब वो अपने उस प्रोडक्ट को जिसको वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है या जो लोगों की भलाई के लिए नहीं है, जब वो सामने रखेगा तो वो प्रोडक्ट लोग खुशी खुशी ले लेंगे,
क्योंकि भरोसा जीत चुका है ना कि यार ये बंदा तो फायदा पहुंचाता है। यानी कि 80-20 का रेशो है, 80% सही बातें बताओ, उसके बाद 20% अपनी नकली टीचिंग को बीच में घुसा दो। वही काम किया है डैनियल राज ने। कौन सी टीचिंग? नकली टीचिंग। तो मैं विनोद तेरे को पूछना चाहता हूं, किस भेस पे तुम कहते हो नकली टीचिंग? तुमने बोला ना नकली टीचिंग, चलो आओ यहां पे आओ और प्रूफ करके बताओ। जानते हो तुम क्या कर रहे हो यहां पे? मैं वहां नहीं हूं ना, मसीह जनता देखो, यही तो नाटक है। इसलिए इसको नाम दिया गुंडा, और जितने अभी तक दे चुका हूं इसलिए गुंडा बोल चुका हूं, क्योंकि वहां पे बैठ कर, यानी कि यहां पे बैठ के कोई भी कुछ भी बोल सकता है कि नकली टीचिंग है, ऐसी टीचिंग है, वैसी टीचिंग है। अगर धम है ना, मैं खुद उतरा हूं अभी मैदान में, मैं तो खुद उतर चुका हूं कि आओ डिबेट पे। तुमको तो बहुत है ना कि भाई डैनियल राज की वीडियो को ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ये गलत है वो गलत है, अभी मैं मौका दे रहा हूं, आओ। तो विनोद, अपोस्टल विनोद, आओ। मैं नकली टीचिंग दे रहा हूं ना, प्रूफ करके बताओ। अगर प्रूफ नहीं किया तो मसीह जनता आपके बीच में ये बात को रख रहा हूं, इसने इस वीडियो को डिलीट करना चाहिए। और अगर इसने प्रूफ किया, मैं खुद कहता हूं मैं यूट्यूब और फेसबुक पे वीडियोस बनाना बंद कर दूंगा। हाँ, वो बात अलग है कि ये कभी प्रूफ नहीं कर पाएगा। डंके की चोट पे बोल रहा हूं, आगे सुनते हैं। सरे यहां मतलब अन्य भाषा के वरदान जो परमेश्वर की ओर से है, उसको लोगों को बता रहे कि ये वरदान गलत है। ओके, सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग में ही कहा है जिब्रिश अन्य भाषा नहीं, इसको कहते हैं मनोज शाहू पार्ट टू, ये उसी की भाषा वाला आदमी है। तो विनोद थोड़ा ठीक से सुनो, मैंने कहा है जिब्रिश, तुमको तकलीफ जिब्रिश से है इसलिए तुम छिड़े हुए हो, मुझे अन्य भाषा से तकलीफ नहीं है। और जब तुमको फोन गया था ना, तो उस आदमी ने तुमको अच्छे से समझाया था एक साल पहले कि मसीह मंथन और डैनियल राज जिब्रिश के खिलाफ है, अन्य भाषा के नहीं। मनोज शाहू तुम भी सुनो, लास्ट में अगर टाइम मिला तो आज तुम्हारा भी छोटा सा पोस्टमार्टम है, यानी कि तुम्हारा भी एक्सपोज है यहां पर। तो अन्य भाषा मत बोलो विनोद, जिब्रिश बोलो। बढ़ावा देते थे कि अन्य भाषा का वरदान परमेश्वर से मांगो, यानी जिब्रिश को मांगो, हम देंगे, मैं हेल्प कर रहा हूं तुमको, करने से मिल जाएगा, कहते परमेश्वर से मांगो। और अन्य भाषा का वरदान सिर्फ परमेश्वर की ओर से, पवित्र आत्मा की ओर से ही मिलता है। ठीक है, मैंने एक वीडियो बनाया अभी कुछ दिन पहले, बहुत ध्यान से सुनना, इसको रिकॉर्ड कर, मतलब इसको दिमाग में रिकॉर्ड कर लेना, इसके मुंह से निकला है कि अन्य भाषा परमेश्वर की ओर से मिलता है। लेकिन एक वीडियो दिखाऊंगा जहां पे ये खुद कह रहा है मांगो मांगो मांगो, इसके मुंह से अभी निकलेगा, अभी सुनिए देखिए। हाँ ठीक है, उस वीडियो में परमेश्वर ने दो भाइयों को अन्य भाषा का वरदान दिया। ठीक है, और वो उसमें होता क्या है ना कि लोग प्रार्थना करते हैं ना, तो वो स्वर्ग से परमेश्वर से कनेक्ट नहीं करते, उनका ध्यान संसार में लगा होता है या वहां की बातों में भटकता रहता है। लेकिन जब पूरी तरीके से परमेश्वर को समर्पण करते हैं ना, पूरी तरीके से 100% सबमिशन करते हैं, अपने शरीर को भी अपने मन को भी, और सिर्फ स्वर्गीय बातों के बारे में सोचते हैं, तब वो वरदान पूरी तरीके से हमें मिलता है कि मांगने वाले को दिया जाता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो ये ओके, पहला क्या कहा, परमेश्वर देता है, अभी क्या कहा, मांगो तो देता है। विनोद तुम अपने स्टेटमेंट को पहले ठीक करो, पहला ये कहो कि मांगने से मिलता है, या फिर ये कहो कि वो खुद देता है। और बाइबल के हिसाब से विनोद तुमको सुनना चाहिए, बाइबल के हिसाब से परमेश्वर देता है अपनी मर्जी से। आप घंटों मांगते रहो, इस आदमी का एक क्या कहते हैं ताव आने वाला वीडियो बना है, इसकी भाषा बात कर रहा हूं, कहते हैं मैं 25 दिन मांगा, 25 दिन कैसे मांगा वो भी बताऊंगा आपको, और आपको खुद को हंसी आएगी कि कैसा मांगा इसने। तो मैं वापस कह देता हूं अपोस्तल विनोद, परमेश्वर के दान को मांगा नहीं जाता है, परमेश्वर का दान परमेश्वर अपनी मर्जी से देता है। पहला ग्रंथियों 12:10-11 जाके पढ़ लेना, चाहिए तो मैं थोड़ी देर बाद में पढ़वाऊंगा, अभी आगे सुनो क्या बोलता है। करिए सिस्टर के वहां पर बोला जाता था कि इसको मांगो मांगो मांगो, परमेश्वर से मांगो। ठीक है, आवाज आ रहा है उसमें लड़की का,
कहते रोमन रोमन कैथलिक में ऐसा कुछ नहीं होता आमतौर पर, अन्य भाषा आमतौर पर क्या सिर्फ वही लोग विरोध करते हैं, या तो जिन्होंने कभी मांगा नहीं, मांगा तो ढंग से नहीं मांगा, और जिन्हें मिला नहीं वही लोग विरोध। देखो इसके मुंह से अभी तक कितनी बार निकल चुका है, मांगा नहीं मांगा नहीं मांगा नहीं। मैं चाहता हूं कि कोई लोकल पास्टर वहां का ये जहां से भी आता है, कोई लोकल पास्टर अगर समझदार लोकल पास्टर है, मैं चाहता हूं कि इसको जाके बाइबल की वो आयत पढ़वाए, नहीं तो विनय तुम यहां पे आ जाओ मैं पढ़वा दूंगा। पहला करंथियों निकालो जल्दी से, क्योंकि इसको नहीं समझ में आ रहा है। पहला करंथियों 12 अध्याय वचन 11 इंग्लिश में पढ़ना है आपको, कोशिश करो कि केजीवी निकालो। विनोद अगर तुम देख रहे हो ना तो देखो यहां पे और सुनो। कौन है कमेंट्स में आया, वेरी गुड। तो विनोद तुमने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है तो ध्यान से सुनो। हाँ इंग्लिश में पढ़ना फास्ट, आप जो भी कर रहे हो जल्दी करो। But all these work that one and the self same spirit dividing to every man severally as he will. As he will. Will. तो इसका मतलब क्या है? परमेश्वर की आत्मा से, परमेश्वर की मर्जी से, सिर्फ टंग्स नहीं यानी ग्लोसा, बाकी जितने भी 9 प्रकार के वरदान हैं वो परमेश्वर की अपनी मर्जी से मिलता है। मैं तुमको ओपन चैलेंज देता हूँ विनोद, अभी तुम सुन रहे हो ना, ओपन चैलेंज देता हूँ, मुझे बाइबल का एक लाइन निकाल के बता दो कि अन्य भाषा मांगने पे मिलता है। तुमको ओपन चैलेंज है, मुझे मती का 7:14 नहीं देना, यू अंडरस्टैंड, वो नहीं देना मेरे को। आइए सुनते क्या बोला है। जिन लोगों के पास ये है उनको पूछो, ठीक है। अब ये क्या करी कि रोमन कैथोलिक में इसने क्या कहा, जिसके पास है उसको पूछो। तो सबसे पहली बात हमको नहीं पूछना है विनोद, क्योंकि ऐसा जिब्रिश वाला दान किसी को नहीं चाहिए। और जिस दिन तुमको अक्कल आएगी ना, तुम खुद पे पछताओगे कि मैंने 25 दिन कैसे बर्बाद किए, और साथ ही साथ तुम्हारे जितने भी लोग थे जो तुम उनको पहाड़ पे लेकर गए, पता नहीं कहाँ लेकर गए, उनको भी पछतावा होगा कि हमने किसको फॉलो कर लिया विनोद टाइप का, और हम अपना जीवन खराब कर बैठे। तुमको डंके की चोट पे बोल रहा आज, या तो तुम्हारा दिमाग पूरा ठीक होगा या तो तुम पूरा बिगड़ोगे। और मैं वापस कह रहा हूं तुमको, ओपन चैलेंज है, यहां पे आके बताओ। और मैं तुमसे ऐसे ऐसे सवाल पूछूंगा, तैयारी के साथ आना अगर आना है तो। सुनते जाते थे वहां पर जो ये सब चीजों को बिलीव नहीं करते, तो जब ये अन्य भाषा, जब जिसको नहीं मिला ना वो व्यक्ति अगर अन्य भाषा बोलने वालों को देख रहा ना, तो उसके लिए वो मजाक ही है, वो मजाक ही उड़ाएंगे, बोलेंगे पता नहीं क्या बोली जा रहा है, वो ही ये बता रही है। आपने सुना इसको, यही बात तो पौलुस कहता है, जल्दी निकालो, यही बात तो पौलुस कहता है। पहला कुरिन्थियों 14:23, 1 Corinthians 14:23, विनोद तुम भी सुनो, इसका कंफर्म करो विनोद ही है कि कुछ और नाम है इसका, अपोस्टल विनोद है ना इसका नाम। हाँ इफ दे पढ़ो, इफ देयरफॉर द होल चर्च बी कम टुगेदर इनटू वन प्लेस। ओके इसको नहीं समझ आएगा, आप हिंदी में पढ़ो। हाँ थोड़ा हिंदी में लगता है अंदर तक जी। 14:23, और अगर मनोज शाहू अगर तुम देख रहे हो ना तो तुम भी तैयार रहना जी। अर्थात यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो और सबके सब अन्य भाषाएं बोले और बाहर वाले या अविश्वासी लोग भीतर आ जाए तो क्या वे तुम्हें पागल ना कहेंगे? पागल, और वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जिब्रिश नहीं है, पौलुस को पता था यहाँ पे बात हो रही है ग्लोसा की, लेकिन क्यों उनके लिए जिब्रिश हो जाएगा क्योंकि जबकि वो ग्लोसा है, क्योंकि कोई समझ नहीं रहा है। तो पौलुस कहता है कि अगर सब ऐसी बात करेंगे ना, कोई लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा है, हालांकि वो ग्लोसा है नॉट जिब्रिश, उसको भी सुनकर अगर पागल बोलेंगे तो जिब्रिश को सुनकर तो कितना पागल बोलेंगे विनोद। सुनते कहती पास्टर जी की फैन हो गई है और लोग तालियां बजा रहे हैं, आप देख रहे हो, कह रहे पास्टर जी की क्यों भाई तेरे को क्या तकलीफ है, अगर मेरे चर्च में अगर लोग ताली बजा रहे, और वो ताली इसलिए नहीं बजा रहे कि वो मेरी फैन हो गए, तुमने उसको ट्विस्ट किया है, वो ताली इसलिए बजा रहे हैं क्योंकि उसकी मम्मी को खरी शिक्षा मिल गई या पब्लिक में। आप अगर यूं ही सूट वूट में खड़े हो जाओगे ना तो कोई फैन नहीं होता किसी का,
अगर शाहरुख खान, सलमान खान के भी लोग फैन है ना, तुम्हारी लैंग्वेज बात कर रहा हूँ, तो वो इसलिए फैन है क्योंकि उन्होंने उनका काम देखा है। क्या बकवास करते हो विनोद तुम? अगर वो ताली बजा रहे तो तुमको इतनी मिर्ची क्यों लग गई? बजने दो ना। ये बात साबित करती है मसीह जनता कि इन लोगों को जलन होती है मुझसे, और ये जलन के शिकार होकर ऐसी हरकत में आते हैं। लेकिन इसको कहते हैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। इसने कभी नहीं सोचा होगा कि एक दिन ये मेरे हाथ लग जाएगा। मैं एक साल तक चुप था सैमुअल माइकल के लिए, डेढ़ ढाई साल जो भी है उसके लिए चुप था। आज तो उसने माफ़ी मांगी है माइकल सैमुअल ने, मुंबई के एक पास्टर से, ऐसी हरकतों के लिए। वीडियो पड़ा हुआ उसका, हालांकि मैं उठाकर डाल सकता था मैंने, लेकिन मेरे को उसको इंटरटेन करना ही नहीं है और वो परेशान आत्मा। तो मैं वापस कहता हूँ विनोद, अगर वो ताली बजा रही है ना तो तुमको तकलीफ क्या है? ताली बजा रही है, परमेश्वर को महिमा कर रही है, कलीसिया पूरी प्रभु को बढ़ाई कर रही है, तो तुमको तकलीफ क्या है? ये लूसीफर का जलन है, ये लूसीफर का जलन है। आगे सुनो। फैन हो गई है और लोग ऐसे तालियां बजा रहे हैं क्योंकि वो खुद भी पास्टर जी के फैन है। तो ये लोग फैन किसके हैं? ये पास्टर जी के फैन हैं, ये पास्टर जी के स्टाइल के फैन हैं, उनके बोलने के तरीके के फैन हैं, और इस बात के फैन हैं कि पास्टर जी ठीक वही बात बोल रहे हैं जो वो सुनना चाहते हैं, ठीक है, जो वो सुनने के लिए बैठे हैं, क्योंकि अन्य भाषा का वरदान तो मिला नहीं, ना पास्टर को मिला ना विश्वासियों को मिला, ठीक है। और पास्टर जी कह रहे हैं, बस थोड़ी देर रुकना, कि मेरे को दान मिला है या नहीं मिला है, मैं एक फोटो दिखाऊंगा ना तो तुमको पता चल जाएगा, थोड़ा देर रुकना। लेकिन अब यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, ये होती नहीं है। तो उनको वही बात उनको सुनने को मिल रही है जो उनके कान सुनना चाहते हैं। मिला नहीं, ठीक है, ढंग से मांगा नहीं, मिला नहीं, प्रार्थना नहीं की। आपने सुना, वापस कह रहा है कि मांगा नहीं। तो मैं फिर इसको कहना चाहता हूं और मसीह जनता आपको भी कहना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा का दान, यहां तक कि खुद पवित्र आत्मा भी मांगने पर नहीं आता है। आप जिस दिन उद्धार पाते हो, सीख लो विनो, तुमको काम आएगा, जिस दिन आप उद्धार पाते हो उसी दिन इफिशियन 1:13-4:30 के हिसाब से आप पर पवित्र आत्मा की मोहर लग जाती है। पवित्र आत्मा का मंदिर आप बन जाते हो, आपका बॉडी उसका मंदिर बन जाता है, परमेश्वर आपके अंदर वास करना शुरू करता है। ये है टीचिंग। अब ये और इसके जैसे लोग बोलेंगे, फिर पहले उन दिनों में क्या होता था प्रेरितों के दिनों में? तो प्रेरितों के दिनों में पौलुस जी नहीं थे ना, पौलुस को पवित्र आत्मा ने, यीशु ने जैसा कहा था कि वो आएगा कौन, पवित्र आत्मा, मेरी बातें तुम्हें सिखाएगा, तो पौलुस को सिखाया, और पौलुस को चर्च के अंदर क्या करना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें सिखाई। उसके बाद ही तो हमको पता चला ना, इफिसियों 1:13-4:30, पवित्र आत्मा भी मांगने पर नहीं आता है। वो जिस दिन उद्धार पाते हैं, वो पैकेज है विनोद, वो पैकेज है, पैकेज समझते हो ना, हाँ, वो साथ में आता है, पैकेज में आता है, इसको कहते हैं सेल्वेशन पैकेज। और पवित्र आत्मा फिर तय करता है कि किसको कौन सा गिफ्ट देना है, किस महिला को, किस पुरुष को, किस स्त्री को कैसे यूज करना है, ये सब कुछ पवित्र आत्मा के ऊपर तय होता है, मनुष्य के ऊपर तय नहीं होता है। आगे आपको रखेंगे, आपको इस पर एक्सपोज करेंगे। आज सुनिए, इच्छा नहीं करी, सही तरीके से नहीं मांगा, जीवन में क्वालिटीज नहीं थी जिसे पाए, मिला नहीं, तो कह रहे परमेश्वर के ये वरदान होता ही नहीं है, ये बात ये खुद कहना चाहते थे। अब ये बात किसी पास्टर ने बोल दी, ऐसा इंसान जिसके पास अथॉरिटी है, उस इंसान ने ये बात बोल दी, अथॉरिटी परमेश्वर ने दी है, किसने दी है वो अलग बात है। तो जिस इंसान, वो ही ये बात बोल रहा है पास्टर के, भैया ये वरदान तो होता ही नहीं, वो कह रहे अरे वाह, हम तो आपके फैन हो गए क्योंकि आप वही बात बोल रहे हो, हमें नहीं मिला इसका मतलब ये है ही नहीं, ठीक है ना। तो लोग आजकल ना पास्टरों के फैन बन रहे हैं, फैन इस दा, फैन उसका, इसका फैन उस पास्टर का, फैन फला पास्टर का, फैन फला पास्टर का फैन। अरे भैया पास्टरों के फैन मत बनिए, पास्टरों के फैन बनोगे ना तो फैन की तरह घूमते रह जाओगे। अब आपको पता चल रहा है इसकी भाषा से, इसकी लैंग्वेज से इसको कितनी लगी हुई है। विनोद एक बात सीख लो, बाइबल कहती है, जल्दी पढ़ो हिंदी में, बाइबल कहती है मत्ती की किताब उसका 10:52 अगर मैं गलत नहीं हूं, सेवकों का आदर और सेवकों की आराधना, इसमें फर्क है। बाइबल खुद कहती है जो वचन का प्रचार करते दुगने आदर के योग्य समझे जाए। 50 पढ़ो, जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर आदर करे वो उसका बदला पाएगा। हाँ 41 पढ़िए, 10:41 जी पढ़िए। जो भविष्यद्वक्ता को भविष्यद्वक्ता जानकर ग्रहण करे वह भविष्यद्वक्ता का बदला पाएगा, और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे वह धर्मी का बदला पाएगा। और पहला तिसलों के नहीं पढ़ना, पहला तिसलों के 5वां अध्याय 17-18 के आसपास में कहीं लिखा है जो वचन का प्रचार करते हैं वो दुगने आदर के योग्य हैं।
तो मैं खुद सिखाता हूँ कि सेवकों के पीछे पागल नहीं होना है। ये मेरी टीचिंग है विनोद, मेरे को क्या सिखा रहे हो तुम? तुम्हारे को एक वीडियो हाथ में लग गई और तुमने पूरा जज कर लिया कि ये आदमी ऐसा है? जाके देखो ना, 5000 वीडियो है मेरी, जाके देखो मेरी टीचिंग कैसी है। और अगर तुमने जिस दिन सीख लिया या देख लिया, और तुम्हारे लोगों ने देख लिया, उनकी आंखें खुल जाएंगे, बोलेगा अरे वाह ये सही टीचिंग। दिक्कत ये है कि तुमको सिर्फ एक ही वीडियो मिला है, लेकिन आज तुमको ठीक करेंगे विनोद। आइए सुनते आगे। ठीक है, आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलिए, यीशु मसीह आपका आदर्श है, वो जीवित है। तुमने ठेका लेके रखा है क्या सबको सुधारने का विनोद? तुमने ठेका लेके रखा है क्या पर्सनल टारगेट करने का, व्यक्तिगत टारगेट करने का? तुम क्या गुंडे बन गए हो यूट्यूब के? चलो मैं आता हूं तुम्हारे पास, या तुमको बुलाता हूं मेरे पास, मेरे सामने ये बात बोल के बताओ है तुम्हारे अंदर दम? इसको कहते हैं मसीह जनता फूट, इसको कहते हैं गुंडई, इसको कहते हैं गुंडागर्दी। तुम अपना चुपचाप काम करो ना यार, तुमको किसी का क्या करना है? मेरे घर पे झाड़ू मार के आ जाओ, पूरा घर गंदा है मेरा, झाड़ू मार के जाओ। तुमको दूसरे को ठीक करने का इतना शौक है ना, मेरे घर की थोड़ी साफ सफाई कर दो तुम जैसे लोगों को। हद है भाई तुम लोगों की। आगे सुनते हैं इसको। आपका आदर्श है, लोगों को सुनो, सबकी सुनो, लेकिन चलो किस पर? परमेश्वर के वचन पर चलो। आपका रेफरेंस जो है ना, रेफरेंस पॉइंट कि आपको सीखना कहां से, वो बाइबल है। कोई पास्टर नहीं है, मैं नहीं हूं, डैनियल राज नहीं है। आज आप एक पास्टर के फैन बने हुए हो, उसकी आवाज अच्छी है, उसका स्टाइल अच्छा है, उसका बोलने का तरीका अच्छा है, उसके हजारों लोग। आज लोगों का जो क्रॉस चेक करने का जो पैमाना है ना, वो पैमाना पता क्या है? क्रॉस चेक करने का पैमाना ये नहीं है कि यार बाइबल में देखें ये बात ऐसी लिखी है कि नहीं। क्रॉस चेक करने का पैमाना है सब्सक्राइबर्स, फैन फॉलोइंग। यानी कि अगर किसी के 1-2 लाख फैन फॉलोइंग है ना, तो वो झूठ भी बोलेगा तो लोग उसको सच मान लेंगे। बाइबल खोल ही नहीं है कभी भी बाइबल, मैं गारंटी बता सकता हूँ इस बहन ने कभी बाइबल खोल के नहीं पढ़ा, बाइबल खोल के। वाओ, देखो ये ऐसे बात कर रहा है जैसे ये उसको जानता है अच्छे से, कहता है कि इसने कभी बाइबल नहीं पढ़ा। मैं आपको सच बताऊं विनोद, अगर तुम इस महिला के सामने, इस लड़की के सामने ये स्टेटमेंट दो ना, तो तुम्हारे को तो दे देगी वो कान के नीचे। तुम क्या बात कर रहे हो, ये माइकल का पार्ट 2 है ये, जो महिला के पीछे पड़ गया है। तो ये क्या कह रहा है, इसने कभी बाइबल नहीं खोला? मतलब तुम बैठे बैठे जज करते हो क्या? तुमको हक किसने दिया किसी के बारे में कुछ बोलने का? इसको कहते गुंडई। आगे सुनते हैं। होता तो इसके दिमाग में जरूर घंटियां बजती हैं। क्या चल रहा है? लिखा है कि पेंटेकोस्ट के दिन कौन लाइव आएगा, कहां पे? तो आने दो ना विनोद। अगर मेरी बात से अगर तुम सीख नहीं रहे हो, तो तुम अपने इसमें से लाइव आओ और तुमको वहां पे जो भी बोलना है ना बोलो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अभी मसीह जनता जागरूक हो गई है। और मैं वापस कहता हूं कि तुम जैसे जितने भी हैं, अब तुम लोगों का वक्त आ गया है, तो गुंडा बनने की कोशिश मत करो। इसने क्या कहा, लाइव आएगा, कहां पे? उसके पेज से। देखो अभी इसकी हिम्मत देखो मसीह जनता, जबकि अगर इसको इतना होता ना, तो ये क्या लिखता कि डैनियल भाई मैं आपके पेज पे आता हूं, मैं आपके पास आता हूं डिबेट के लिए। ये हिम्मत नहीं है इसकी, इसलिए कहता हूं पीठ पीछे भोगते हैं ये लोग। आगे सुनाते इसकी गाना, लेकिन मेरे साथ बने रहना विनोद, क्योंकि तुम्हारा बहुत सारा अभी आज एक्सपोज होने वाला है जी। और उन पर पवित्र आत्मा उतरा और वो अन्य भाषा बोलने लग गए। ठीक है ना, इतने सारे लोग बैठ के गवाह देख रहे हैं, हजारों लोग वहां के गवाही देख रहे हैं कि यार इनको अन्य भाषा का वरदान मिला है। और यीशु मसीह ने खुद बोला कि विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे कि वो नई नई भाषाएं बोलेंगे। ठीक है ना, लेकिन यहां पर पास्टर बोल रहा है कि वो वरदान है ही नहीं। और एक सेकंड, इसने क्या कहा, यीशु ने कहा कि अन्य भाषा का दान मिलेगा। अब इसको विनोद को कौन समझा है कि वो ग्लोसा है, जिब्रिश नहीं, वो पृथ्वी की भाषा है, नॉट ग्लोसा। और जो एक्ट चैप्टर, इसकी एक और बात की हंसी आ रही है मेरे को, एक्ट चैप्टर 2 में जो पवित्र आत्मा उतरे थे, जो गिफ्ट दिए थे ना, वो सबको समझ आ रहा है। ये महामूर्ख क्या कहता है पता है, वहां किसी को समझ नहीं आ रहा था। 3000 लोग सुन रहे थे, 120 लोग बात कर रहे थे, किसको क्या समझ में आएगा इसका एक बकवास का लॉजिक। जबकि वहां साफ लिखा है, एक काम करो पढ़ते हैं, जबकि साफ लिखा है पढ़िए, पहला एक्ट चैप्टर 2 वर्स 11 से पढ़ो, एक काम करो 10 से पढ़ो जी। आइए सुनते हैं। और फ्रूगिया और पंफुलिया। ओके ओके, कहां से पढ़ रही हैं आप? 10। एक काम करो 7 से पढ़ो।
वे सब चकित और अचंभित होकर एक सेकंड विनोद, अपने दोनों कान खड़े करके सुन, क्योंकि जो तूने बकवास करी है ना, इसमें तुझे सुनना जरूरी है, पढ़िए। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? एक सेकंड, कौन सी भाषा? जन्मभूमि, जन्मभूमि, मदर टंग। और तुमने क्या बकवास करी इस वीडियो में कि किसको क्या समझ में आ रहा होगा? तुम सबसे पहले अपोस्तल विनोद बाइबल स्टडी ठीक से करो। मैं तुम्हारे को नहीं छेड़ने वाला था, मैं तुम्हारी, तुमको छोड़ो किसी की भी बात नहीं करने वाला था। मैं यहाँ पे किसी का फोटो रखकर मुझे कोई शौक नहीं था, लेकिन तुम लोगों ने मेरे को टारगेट किया, मेरे को टारगेट किया। और तुमको क्या लगा कि डैनियल राज को टारगेट करेंगे, वहाँ के थोड़े सब्सक्राइबर्स हमको मिल जाएंगे? मैं इसको बता, इसकी एक रखूँगा, ये बंदा अपने यूट्यूब पर अपने अकाउंट डिटेल्स पेटीएम गूगल पे पता नहीं क्या क्या सब डाल के रखा है। मैं आपको दिखाऊंगा। अब इसका मकसद क्या है आप सोच के देखिए। तो इसको कह दूं कि वचन को ठीक से पढ़े, मातृभाषा सबको समझ आ रही थी और सबको पता था कि ये बोल क्या रहे, और सबको साफ साफ सुनाई दे रहा था, क्योंकि वो परमेश्वर, कीप रीडिंग दैट, वो परमेश्वर की बड़ाई कर रहे थे सटीक आवाज में। सुनो, हम जो पार्थी और मेदी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कपदुकिया की पुंतीस और आसिया और फ्रुगिया और पंफुलिया और मिस्र और लीबिया देश जो कुरेने के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले, क्रेती और अरबी भी है, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा। एक सेकंड, कौन सी भाषा में? अपनी अपनी भाषा में परमेश्वर की, आगे पढ़ो। परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। एक सेकंड, माइक बंद करो। तो विनोद, तुम्हारे हिसाब से ये गलत लिखा है क्या लूक ने? लेखक इसका लूक है, उसने गलत लिखा है? और तुमको पता है ना कि लूका वो है जिसने बारीकी से स्टडी करके लिखा है, तो तुमने तो लूका पे सवाल उठा दिया। जब कोई चीज समझ में ना आए ना विनोद, तो चुप रहा करो, आगे सुनते हैं इसको। ताली बजा रहे, वाह 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 वाह, क्या होगा इस कलीसिया का? तू चिंता मत कर कि क्या होगा इस कलीसिया का, ऊपर बैठा है परमेश्वर, और तेरे कहने से कि क्या होगा इसका कलीसिया का, हम कहीं नीचे नहीं गिर जाएंगे। हम तब के मामले में आगे बहुत चले गए, तो चिंता मत कर विनोद, तुम अपनी चिंता करो कि तुम्हारा क्या होगा। फॉलो करने लग गए क्योंकि उनको वही सुनने को मिला जो वो सुनना चाहते थे, इसलिए वो फॉलो करने लगे और फैन बन गए। तो आपको क्या तकलीफ है विनोद, आपको क्या तकलीफ है? रहने दो ना, अगर अच्छी चीज के लिए कोई मेरे पास आकर सीख रहा है तो तुमको तकलीफ क्या है? अभी मुझे मेरी टीम ने बताया कि तुम पहले आने वाले थे अपनी पेज से, और जैसे ही तुमने सुना और तुमको पता चला, क्योंकि तुम्हारे लोग भी है ना और अपने लोग भी बोल रहे होंगे ना उसको, अब तुमने अपना स्टेटमेंट चेंज किया। अब क्या तुम बोल रहे हो कि मैं यहां पे आऊंगा? बेटा तू फंस जाएगा, और अगर आ रहा है ना तो पूरी तैयारी के साथ आना, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे सवाल पूछूंगा जो एक साल पहले जो मेरा बंदा तुमसे कॉल पे पूछ रहा था, मेरे को तुम्हारी वहीं पे तुम्हारी नॉलेज पता चल गई कि तुम्हारी नॉलेज क्या चीज है बाइबल की। तो बिल्कुल तैयारी के साथ आना, आगे के सुनते हैं उसको। तो ये कहती है कि मेरे को समझ में नहीं आती थी मैं क्या बोल रही हूँ। अरे समझ में नहीं आती थी तो जिसने अन्य भाषा का वरदान दिया वो अनुवाद का वरदान भी देता है। इस व्यक्ति को एक साल पहले जब हमारे आदमी ने पूछा कि रबा रबा शबा शबा का अनुवाद करके बताओ, इसकी हवा टाइट हो गई थी।
इसकी हवा टाइट हो गई थी। तुमने क्या कहा, परमेश्वर वरदान भी देता है। और मैं कल जब तुम आओगे ना विनोद, तो मैं तुमको यही सवाल फिर पूछूंगा और पूरी मसीह जनता के सामने तुमको अनुवाद करके बताना होगा कि इसका मतलब क्या है। और मैं अभी एक वीडियो भी प्ले करूंगा, उसका भी मतलब बताना। आइए सुनते क्या बोलता है। मुझे जब अन्य भाषा का वरदान मिला था ना, तो मेरे पास अनुवाद नहीं था, लेकिन मुझे अन्य भाषा का वरदान परमेश्वर की ओर से मिला था। 25 दिन प्रार्थना कमरा बंद कमरा करके प्रार्थना करने के बाद मुझे ये वरदान मिला था। ठीक है, मुझे, मैं तो अन्य जाति से आया हूं ना, मैं कोई बॉर्न क्रिश्चियन तो हूं नहीं कि मैं एक एजेंडा। आपको किसने बोला कि अन्य जाति को अन्य भाषा का दान नहीं मिलता, सिर्फ क्रिश्चियन को मिलता है? आपको किसने बोला? अब आप सोच के देखिए मसीह जनता, इसकी बाइबल नॉलेज कैसी है। अन्य जाति हो, कोई भी हो, हम कौन है अन्य जाति? कैथलिक क्या क्रिश्चियन होते हैं क्या? यीशु सिर्फ और सिर्फ यहूदियों के हिसाब से आया था। वो कैथलिक हो, बैप्टिस्ट हो, लूथरन हो, ब्रदरन हो, पेंटिकोसल हो, कैरिस्मेटिक, हम सब की गिनती अन्य जाति में आती है। क्या बकवास करता है विनोद, आगे सुनते हैं। एजेंडा चलाऊंगा कि मेरा एजेंडा ये है, मैं अन्य जाति से आया हूं और मुझे अन्य जाति से आके ये वरदान मिला है। 25 दिन प्रार्थना करने के बाद, उपवास पूर्वक प्रार्थना करने के बाद, दिन सुबह भी शाम भी दो दो टाइम प्रार्थना करने के बाद ये वरदान मुझे मिला है, मेरे शरीर में मुझे मिला है। ठीक है, इतना ही रियल है जितना रियल के बाकी सारी चीजें हैं, जितना रियल मेरे हाथ पैर हैं, जितना रियल मैं खुद हूं, जितना रियल मेरे सामने चीजें पड़ी हैं, उतना। वापस बोलो, उस पे बोलो क्या बोला, उस पे बोला विनोद, क्या बोल रहा है, सुनो क्या बोल रहा है। डियर सर, वी कैन डिस्कस दिस पर्सनली, प्लीज वर्ड ऑफ गॉड। प्लीज वर्ड ऑफ गॉड, ये किसका स्टेटमेंट, विनोद का? अब क्यों भाई पर्सनली, जब तुमने मेरी वीडियो बनाई थी यहाँ पे, तब तुमने पर्सनली बनाई थी, मेरे से बात करी थी। अब देखो मसीह जनता, ये ऐसे लोग हैं, अब मैं इसकी एक्सपोज कर रहा हूँ, तो अब ये कहता है कि पर्सनल बात करो। तो विनोद, क्या तुमको नहीं लगा तभी मुझे कॉल करना चाहिए था? आपने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? अब इसके जितने ग्रुप के लोग हैं, मैं उनको भी पूछना चाहता हूं, क्या आपको ये यही सिखाता है कि किसी को वीडियो देखो और ताव में आ जाओ, किसी की वीडियो देखो और उसके ऊपर चढ़ जाओ? आप लोग यही सीखते हैं इस आदमी से और इसके जैसे लोगों से? यह वजह है विनोद कि मैं तुम्हारे साथ में एक साल, मैंने तुमको एक मौका दिया था उस आदमी के द्वारा कि भाई ये सुधर जाए, लेकिन नहीं, तुमने फोन रखते रखते क्या कहा, लूसीफर का चेला है डैनियल राज। तुमको तब नहीं लगा कि पर्सनल बात करना चाहिए था, अभी क्यों? और मैं वापस कहता हूं, जितने भी लोग यूट्यूब पर, फेसबुक पर गुंडाई दिखाते हैं, आप लोगों को यह बात समझ में आनी चाहिए कि बाकी लोगों का भी फैमिली है, बाकी लोगों की भी इज्जत है, बाकी लोगों की भी मिनिस्ट्री है, बाकी लोगों की भी बेटियां हैं। तुम खुले हम उसको अनाप शनाप बके जा रहे हो विनोद, तब तुमने नहीं सोचा कि ये पर्सनल है, पर्सनल में डिस्कस करेंगे। अब भुगतो, जो तुमने बोया है ना वो तुम काटोगे। रियल मेरे लिए अन्य भाषा का वरदान है, एक व्यक्ति जो अन्य भाषा, अन्य जाति से आया है और उसके शरीर में यह वरदान एक्टिव है, काम कर रहा है, उसको आप कैसे गलत साबित करोगे? इसके मुंह से क्या निकला, शरीर में। अब इसको बताओ कि परमेश्वर का दान शरीर में नहीं आता है, परमेश्वर का दान आत्मा में आता है। परमेश्वर का दान शारीरिक नहीं होता है, परमेश्वर का दान आत्मिक होता है। चले जाओ, परमेश्वर का दान आत्मिक होता है, इसके मुंह से निकला शरीर। और जब यह बात भी करेगा ना आगे, तो अभी भी शरीर ही बोलेगा, देखना। कैसे उसको बोलोगे कि नहीं, तुम्हारे अंदर ये वरदान परमेश्वर ने नहीं दिया, ये तुम्हारे अंदर शैतान ने दिया, तुम अपने मन से बोल रहे हो। 25 दिन प्रार्थना करने के बाद जो व्यक्ति उपवास प्रार्थना में बैठा है, आप उसको बोल रहे हो कि तुम्हें शैतान ने वरदान दिया है। लोगों ना को कुछ नया चाहिए, लोगों को कुछ, एक तो उन्हें अपने कान की खुजली मिटानी है और दूसरा उन्हें कुछ नया चाहिए, है ना। ये तो सभी बोलते हैं कि अन्य भाषा में बोलो, वरदान है, वरदान है, लेकिन एक व्यक्ति बोल रहा है बड़ी भारी सी आवाज में, अमिताभ बच्चन की आवाज में, कि भैया ये वरदान है नहीं, कुछ नया मिल गया, है ना। और इसको मेरी आवाज से तकलीफ है, इसको मेरे पर्सनैलिटी से तकलीफ है। भाई तेरे को किस किस से तकलीफ है? तू मेरे को इतना बारीकी से ऑब्जर्व किया है कि तुझे इतनी जलन हो गई विनोद? तेरी बाकी जो वीडियोस है ना, मैं देख चुका हूं, जो बाकी धर्मों के बारे में तुमने जो बकवास करी है ना, मैं वो वीडियो भी देख चुका हूं। और तुमने जो एक वीडियो में बोला है ना कि मैं मसीह समाज के लिए टक्कर ले रहा हूं, सरकार से टक्कर ले रहा हूं, सिस्टम से टक्कर ले रहा हूं, यह तुम्हारी मूर्खता है।
और तुम जैसे के लोगों की वजह से बाकी पास्टरों को, बाकी मिनिस्ट्रीज को, गांव के अंदर, शहर के अंदर बाकी लोगों को तकलीफ होती है तुम जैसे लोगों की वजह से। इसको कहते हैं, मैं शॉर्ट में बोल रहा विनोद, अगर तेरे को बात समझ में आ गई, इसको कहते हैं आ बहल मुझे मार। तुझे कोई ज़रूरत नहीं थी किसी और की किताब को उठाकर उसके अंदर से बात करने के, चुपचाप सिखाता अपने लोगों को। तेरे को तो शौक है ना सोशल प्लेटफॉर्म पे आकर बकवास करने की, और जब तेरे को उन लोगों ने पकड़ा और तेरे ऊपर खेस हो गया तब तेरे को समझ में आ रहा है। और मैं बाकी उत्तराखंड ये जहां से भी आता है, मैं वहां के जितने भी पास्टर्स हैं और बाकी चर्चेस हैं, मैं चाहता हूं कि इस आदमी को अकल दो, क्योंकि इसकी हरकत की वजह से तुम लोगों की चर्च दिक्कत में आ जाएगी। बात को समझना है विनोद, बात को समझो। आइए सुनते हैं। पीछे प्रभु ने कहा ना कि भरमाने वाले बहुत से लोग आएंगे और उनके पीछे हो भी लेंगे बहुत से लोग, यही हाल है। आप स्वर्गीय वरदान का इनकार कर रहे हो जिसका बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा है कि नई नई भाषाएं बोलेंगे, प्रेरितों ने भाषा का वरदान पाया, उसके बाद पौलुस बताता है, ठीक है। आप सिर्फ टीचिंग का जो गोल मोल करके आपको जो घोल पिलाया जाता है ना, आप उस घोल को पी लेते हो और बोलते हो ये घोल अच्छा है, ठीक है। तो आपसे बड़ा दुर्भाग्य किसी और का नहीं है कि स्वर्ग से अगर कोई वरदान दिया गया तो उसका कुछ तो वजह होगी, अगर परमेश्वर ने ये प्रावधान रखा। अगर तुम कल आए विनोद तो यह बात को साबित करना मसीह जनता के सामने कि स्वर्ग का दान सबको मिलता है, यह साबित करना, और तुम्हारे चर्च में किस किस को मिला है यह भी साबित करना, और तुम्हारे ग्रुप में जितने तुमको फॉलो करते ना उनको भी साबित करके बताना कि उनको सबको स्वर्ग का दान मिला है। विनोद ध्यान से सुनो, तुम्हारी उम्र कितनी है मुझे नहीं पता, और तुमने मिनिस्ट्री कब से स्टार्ट करी है मुझे नहीं पता, लेकिन जिससे तुमने पंगा लिया है ना, ये वो आदमी है जिसने 30,000 से 35,000 पास्टरों को ट्रेन किया है, नेशनल और इंटरनेशनल। बात समझ में आ रही है? मैं दान के खिलाफ नहीं हूं, बकवास मत करा करो। परमेश्वर का दान उसको डैनियल राज स्वीकार करता है। मैं डंके की चोट पे तब भी बोला था, अब भी बोल रहा हूं, आगे भी बोलूंगा, जिब्रिश जिसको कहते रबा रबा शबा शबा, उसको मैं नहीं मानता। मैंने वो कहा यहां पे, अन्य भाषा मत बोल और थोड़ा सा वचन को ठीक से पढ़ा कर। आगे सुनते हैं दोस्तों। है तो कुछ तो वजह होगी, अगर पौलुस उसके बारे में बोल रहा है तो इसलिए, क्योंकि वो गलत तरीके से वहां पर यूज किया जा रहा था, इसलिए पौलुस उसके बारे में सही सिखा रहा है। और उस बात को, पौलुस की बात को लेकर आपको गोल गोल घुमाता है कोई और आप उसके गोल गोल गोले में घूम जाते हो। Are you experiencing knowing doing trap? Check. दोस्तों ये एक specific psychological condition है जिसमें आप okay continue हाँ। जो मुझे समझ में भी नहीं आती, मुझे English आती है, मुझे हिंदी आती है, लेकिन वो क्या था मुझे नहीं पता। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और हमारे पास्टर कहते मुझे English आती है, मुझे हिंदी आती है, वो भाषा क्या थी मुझे नहीं पता। नई नई भाषाएं बोलेंगे, प्रभु ने बोला इस पास्टर से जाके कोई पूछो कि तुम्हें कितनी भाषाएं आती हैं, ठीक है ना? मतलब ये क्या लॉजिक है? उसको हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, तो प्रभु ने बोला नई नई भाषा बोलिए, इसका लॉजिक क्या है? विनोद तुझे खुद को कितनी भाषा आती है मैं तुझे पूछूंगा जब तू कल यहां पर आएगा। और उसका कनेक्शन नई नई भाषा मरकुस 16:17 से क्या कनेक्शन है मैं तुझे पूछ रहा हूं विनोद, क्या कनेक्शन है? तो इसका मतलब है कि जो विश्वासी है उसको पूरे दुनिया की 6,000 भाषा आनी चाहिए? तेरे को कल पूछूंगा ये बात। बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों को कि पेंटेकोस्ट के दिन जो प्रेरित जो हैं वहां पर जो लोग बैठे थे वो लोग अन्य अन्य भाषाएं बोल रहे थे और वो बहुत ध्यान से सुनना इसकी बकवास, बहुत ध्यान से सुनना, देखो क्या बोल रहा है। अरे भाषाएं वो लोग समझ रहे थे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, वो जो भीड़ थी ना वो उनकी भाषा को समझ नहीं रही थी, उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये भाषा उनकी भाषा से मिलती जुलती है। आपने सुना, कह रहा है कि उनको लग रहा था बल्कि वो समझ नहीं रहे थे। आगे सुनो और जी। 120 लोग अगर एक जगह पर बैठकर अन्य अलग अलग भाषाओं में बात कर रहे हैं तो किसको समझ आएगा कि कौन क्या भाषा बोल रहा है? एक आधा शब्द तो लोग पकड़ भी लेंगे, कह रहा ये शब्द तो मेरी भाषा जैसा है। ओके काम करो, वापस पढ़ो वो लाइन कि मेरी मातृभाषा में बोल रहा है। विनोद क्या करते हो यार तुम एक विनोद हो उधर एक मनोज है, तुम लोग क्या बाइबल पढ़ते हो और ऐसे सिखाते हो? ये तुम्हारा जो भी सेटअप है ना, यहां के तुम बॉस हो और तुमको लगा कि जो चाहो बोल दो, मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। ध्यान से सुनो क्या लिखा है जी। परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। अपनी अपनी भाषा में
और तुमको किसने कहा ये लॉजिक लगाने के लिए कि 120 हैं और 3000 से भी ज्यादा लोग हैं, उनको क्या समझ में आएगा, उनको कैसे समझ में आया? तो लेखक जो लूक है वो क्या तुम्हारी तरह ऐसी पागल था क्या? जब लिखा है तो लिखा है, जब समझ रहे हैं मतलब समझ रहे हैं, वहां सुबह से लेकर शाम तक हो गई है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लिखा है मतलब समझ रहे हैं, तुम अपनी अलग से सेटिंग डाल रहे हो उसके अंदर। और वो छोड़ो यार विनोद, तुमको क्या जरूरत थी मेरी वीडियो को उठाकर और इस लड़की को सामने लाकर तुम साबित क्या करना चाहते हो? बहुत बड़े हीरो, इसको कहते हैं गुंडई करना, और तुमको आज ये गुंडई भारी पड़ गई। भी बोलेगा यार ये शब्द मेरी भाषा जैसा है, तो वो भीड़ में इतना शोर वहां पर था कि उनको ऐसा लग रहा था कि जो बंदा जिसकी ओर फोकस कर रहा होगा ना कि यार हाँ ये कुछ कुछ मेरी भाषा जैसा लग रहा है, ठीक है ना, उनको उनको वहां पर जो लोग थे ना उनको कुछ नहीं पता था कि वो क्या बोल रहे हैं। वो सही, ये इसका झूठ है, ये कह रहा है कि उनको कुछ नहीं पता था। तो फिर विनोद तुम्हारे हिसाब से जो अभी वचन पढ़ा है वो तो फिर तुम्हारे हिसाब से गलत है। मसीह जनता, मैं चाहता हूं कि आप लोग अभी अपने YouTube के कमेंट्स में, Facebook के कमेंट्स में इसको पूछो, फिर तुम कौन सी बाइबल पढ़ते हो, जबकि इतना साफ लिखा है कि उनके कानों में और कौन से राष्ट्र से वो तक लूक ने डिस्कवर किया, कहां से आए थे वो, यहां से आए, अच्छा वो ये कंट्री का था, अच्छा वो ये कंट्री का था, उन सब ने अपनी अपनी गवाही दी है। और तुम कहते हो कोई नहीं समझ रहा था, अब मैं इसको क्या बोलूं? बाइबल की तुम्हारी ये नॉलेज है और तुम निकले हो मुझे ठीक करने के लिए, हद है यार। आगे सुनते हैं। कोशिश कर रहे थे, हमारा दिमाग क्या करता है ना, अगर आप कहीं पर कोई आकृति देख रहे हो ना, छवि, बादल देख रहे हो, तो हमारा दिमाग बादलों में, हाँ, क्योंकि तुम आए हो ना पीछे अन्य जाति से, तो तुम वो सब देख कर आए हो और वहां का कॉन्सेप्ट उठाकर तुमने बाइबल में डाल दिया। मुझे दुख है तुम्हारे फॉलोवर्स के ऊपर, मुझे ताज्जुब है कि तुमको इतने सारे लोग तुम्हारी ये बकवास, लेकिन आज से नहीं होगा, अब इनको पता चलेगा कि हमारा अपोस्तल विनोद क्या सिखा रहा था और सच्चाई क्या है। आगे सुनिए। आकृति ढूंढता है, वो कोई आकृति है नहीं, लेकिन है कि कहीं पर इंसान की शक्ल दिख रही हो, तो वहां पर वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग ढूंढ बोल रहे थे यार ये बोल क्या रहे हैं, फिर उन्होंने देखा कि यार अच्छा ये तो कुछ कुछ शब्द मेरी भाषा जैसे, तो जो बंदा जिस भाषा का था ना उसको ऐसा लग रहा था कि यहां पर मेरी जैसी भाषा बोली जा रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसी भाषा में बात कर रहे थे, वो रैंडम लैंग्वेज में बात कर रहे थे, वो लैंग्वेज उस वक्त स्वर्ग से दी गई थी, फर्स्ट डे पेंटेकोस्ट के दिन जिनको अन्य भाषा दिया गया था ना उसी दिन उनको अनुवाद नहीं मिला था, अनुवाद आगे चल के जब मैच्योर हो गया अन्य भाषा का वरदान तब उनको आगे पौलुस ने बोला कि तुम्हें अनुवाद भी मिलेगा। अब आप सोच के देखिए इसकी स्टडी, वो रैंडमली बोल रहे थे और वहां पे अनुवाद नहीं था, ऑफकोर्स नहीं था अनुवाद, क्योंकि कम ऑन यार, अभी मैं कौन सी भाषा में बात कर रहा हूं मसीह जनता, हिंदी में, तो क्या आपको जो मेरी भाषा समझ में आ रही हिंदी में आपको इसके लिए अनुवाद की जरूरत है? आप हिंदी, मैं हिंदी, बातें चल रही हिंदी, आपको समझ आ रही हिंदी, फिर ऊपर से कोई बोलेगा एक काम करो हिंदी अनुवादक लेकर आओ, एक काम करो छोटा सा लाइन बोलो, मसीह जनता आप लोग कैसे हैं, रिपीट करो सेम वर्ड, रिपीट करो, मसीह जनता आप लोग कैसे हैं, मसीह जनता आप लोग कैसे हैं, इसको कहते हैं अनुवाद। अब मुझे बताओ ऐसा अनुवाद होगा वहां पे, जबकि उनको खुद की भाषा में, उनकी खुद की भाषा में उनको सुनाई दे रहा है, तो वहां अनुवाद की क्या जरूरत है विनोद? मेरे को ताज्जुब है कि मुझे इस लेवल पे आके तुम लोगों को सिखाना पड़ रहा है, इस लेवल पे आके मसीह मंथन बैठक और मसीह जनता। अब आपको पता चला कि यह प्रोग्राम करना, क्रिश्चियन रैंडम डिबेट शो यह करना अभी कितना जरूरी हो गया है। इन लोगों की टीचिंग देखो, लिखा कुछ और है, पढ़ते कुछ और है, सिखाते कुछ और है, बेचारे वो भोले भाले जो इसको सुनते होंगे, हाँ अपोस्तल जी आप तो अपोस्तल जी हैं, आप तो जो बोलेंगे सच होगा। आगे सुनते हैं इसकी थोड़ी सी बकवास। अनुवाद मांगो, जैसे अन्य भाषा का वरदान मिला है वैसे ही तुम्हें अनुवाद भी मिलेगा, मांगो, ठीक है ना, और जब तुम्हें अनुवाद मिल जाए तब तुम भीड़ में आके प्रार्थना करो ताकि जब जो तुम बोलो वो सामने वाला समझे तो वो भी परमेश्वर का धन्यवाद करे कि अच्छा ये बोला है, ठीक है। अन्य भाषा का वरदान बाइबल साहब कहती है कि आपकी व्यक्तिगत उन्नति के लिए है, तो अगर आपको अपनी व्यक्तिगत, ये इसका और एक झूठ, अन्य भाषा व्यक्तिगत उन्नति के लिए, मेरा ओपन चैलेंज है विनोद, मेरा ओपन चैलेंज है तुझे, अगर तू यहां पे कल आ गया, अभी तो तेरा तीन बहाना हो गया, पहले क्या कहा था मैं अपने पेज से आऊंगा, दूसरा क्या कहा था मैं यहां पे आऊंगा, तीसरा क्या कहा
पर्सनल बात करेंगे। ये तू तीन बहाने तो बना चुका है, मैं तुझे ओपन चैलेंज देता हूँ, ठीक है? मुझे बाइबल से निकाल के बता पौलुस की स्टेटमेंट जहाँ पे ये साफ लिखा होना चाहिए। और याद रखो, स्टेटमेंट होना चाहिए, स्टेटमेंट होना चाहिए, सकेस्टिक नहीं होना चाहिए, यानी कि व्यंग। दूसरा, कंप्लेंट नहीं होना चाहिए, शिकायत नहीं होनी चाहिए, और वहाँ का जो प्रॉब्लम है ना वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि पौलुस ने जब कुरिन्थियों को लेटर लिखा ना, वो प्रॉब्लमेटिक था, उसको कह रहा है तुम ऐसा करते हो इसलिए ये है, तुम तो अन्य भाषा में बात कर रहे हो लेकिन तुम्हारी उन्नति हो रही है, अन्य भाषा बात कर रहे हो तुम्हारी उन्नति हो रही है, क्योंकि अनुवादक ने तो दूसरे की नहीं हो रही। वो डॉक्ट्रिन स्टेटमेंट नहीं है, वो डॉक्ट्रिन स्टेटमेंट नहीं है। इसको ऐसे समझा देता हूँ विनोद, अगर तुमको समझ में आ रहा होगा। प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, तुमको दिल्ली जाना है, और जो पूछताछ काउंटर है ना, वहाँ पर एक माइक होता है, उस माइक से वो क्या कहते हैं, जो आदमी है वो कहता है कि दिल्ली जाने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आ रही है। इसको कहते हैं प्रॉपर स्टेटमेंट। तो जितनी पब्लिक है ना वो कन्फ्यूज नहीं होती, लेकिन वही अगर कहता है कि तुम लोग सब भाग रहे हो 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर, तो पब्लिक बोलेगी अच्छा 3 नंबर प्लेटफॉर्म बोला, इसका मतलब गाड़ी 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आएगी। जबकि वो स्टेटमेंट नहीं है, वो प्रॉब्लम है कि तुम लोग भाग रहे हो 3 नंबर पे, तुमको जाना है 2 नंबर पे। यही पौलुस ने कहा कि तुम जब अन्य भाषा बात करते हो, जब तुम प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे जाते हो तो तुम गलत हो, तुमको जाना है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। तुमको, तुम अन्य भाषा में बात तो करते हो यानी ग्लोसा, लेकिन अनुवाद के साथ नहीं करते हो, इसलिए तुम्हारी उन्नति हो रही है लेकिन कलीसिया की उन्नति नहीं हो रही है, यह कंप्लेंट कर रहे हो, और तुमने उसको बना दिया स्टेटमेंट। ऐसे पढ़ते हो बाइबल विनोद? आगे सुनते थोड़ा सा और। उन्नति करनी है, व्यक्तिगत उन्नति का मतलब अपने शरीर की उन्नति नहीं, व्यक्तिगत उन्नति का मतलब आपकी आत्मिक उन्नति, दान वरदान। अब यह पांचवा झूठ, इसको पूछूंगा मैं, और मसीह जनता आप भी तैयार है ना, कहां लिखा है बाइबल में कि जो अन्य भाषा बात करता है उसकी आत्मिक उन्नति होती है? निकाल के बता। तू बहुत बुरा फंस गया विनोद, तुझे मेरे बारे में वीडियो नहीं बनाना था, तू बहुत बुरा फंस गया। आत्मिक उन्नति निकाल के दिखाना फिर की उन्नति, व्यक्तिगत आपके दान वरदान जो है, स्वर्गीय दान वरदान, वो आपकी व्यक्तिगत उन्नति में ही तो आते हैं ना। अगर आपको मिरेक्युलस मूवमेंट देखने आते हैं ना, क्वेश्चन कर रहा है या बता रहा है? अभी आगे सुनो। मैटिक मूवमेंट देखनी है, कौन सी मूवमेंट? एक सेकंड, कौन सी मूवमेंट? मिरेक्युलस मूवमेंट देखनी, कैरिस्मेटिक मूवमेंट देखनी है। कैरिस्मेटिक मूवमेंट, ये कैरिस्मेटिक मूवमेंट क्या होता है? जो कैरिस्मेटिक मूवमेंट कर चुके हैं ना, मैं उनकी फोटो लगाऊंगा यहां पे, और उनकी जो कैरिस्मेटिक मूवमेंट है ना वो कैसे ठप पड़ गई ना, वो तुमको भी नहीं पता है। मैं उनके बीच में उठ बैठ कर बाहर निकला हूं। कैरिस्मेटिक मूवमेंट की बात करते हो तुम, और तुम्हारे क्षेत्र में कौन सा कैरिस्मेटिक मूवमेंट हो गया? अगर कैरिस्मेटिक मूवमेंट की बात करते हो ना, तो तुमको पता भी है अपना भारत कहाँ खड़ा है आज, 3% के माइनॉरिटी में खड़ा है। तुम्हारा खुद का उत्तराखंड कितने परसेंटेज में खड़ा है, मैं तुमको किताब निकाल के बता दूं, क्योंकि मैं ये पूरा सर्वे कर चुका हूं कि कौन से भारत के कौन से स्टेट में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कौन से पिन कोड में, कौन से जिले में, कौन से विलेज में कितने परसेंटेज है, इसकी स्टडी करके बैठा हूं, और तुम कैरिस्मेटिक मूवमेंट की बात करते हो। आगे सुनते हैं दोस्तों इसको। तो आपको अन्य भाषा का जो है वो वरदान पाना होगा कैरिस्मेटिक मूवमेंट देखने के लिए, ठीक है? अगर आपके पास अन्य भाषा, ये बात मैं एडमिट करता हूं, ये मैं कहता हूं कि आज अन्य भाषा का चेक, अभी सुनना है इसको, इसके मुंह से क्या निकला सुनो। वरदान इस्तेमाल हो रहा है, दान वरदानों के नाम पर, चिन्ह चमत्कार के नाम पर बहुत जगह पर गड़बड़ झाला हो रहा है, लेकिन इस क्या बोला इसने, बहुत गड़बड़ हो रहा है। जब इन्हों तुमको पता है कि बहुत सारा गड़बड़ हो रहा है, हम उसी गड़बड़ को तो ठीक कर रहे थे, और तुमको उस लड़की के ऊपर ताली बजाने के, उसके स्टेटमेंट के ऊपर तुमको इतनी मिर्ची लग गई, तो तुमको तकलीफ क्या हो गई उस बात के लिए? मतलब ये नहीं कि अन्य भाषा का वरदान फेक है या नहीं है या है ही नहीं, ठीक है? इसका मतलब ये है कि लोग उसका गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसी का पौलुस ने विरोध किया था, इसी का पौलुस विरोध करता था, इसीलिए वो बोल रहा है, सही तरीका बता रहा है कि सही तरीका ये नहीं है कि तुम, सही तरीका ये है कि जब अन्य भाषा का वरदान करो तो साथ ही साथ उसका अनुवाद भी मांगो। तो फिर आना कल अनुवाद के साथ, मैं तो तुम्हारे सामने एक वीडियो प्ले करूंगा, और तुमको खुद को भी कहूंगा कि ये बोलो और हमको अगले में तुम्हारा अनुवाद चाहिए।
और तुम्हारा अनुवाद है ना फेक नहीं होना चाहिए, हमको पता लगना चाहिए कि यस ये क्या चीज़ है, क्योंकि जो बोलता था उस वक्त में उसको भी समझ आती थी, जो अनुवाद करता था उसको भी समझ आती थी, और जो तीसरी पब्लिक सुन रही है उसको भी समझ में आती। तो अनाप शना बोलकर नहीं जाना कल ना दोस्तों। मैं इसकी एक वीडियो और प्ले करता हूँ, क्योंकि अभी इसके लिए इतना बस हो गया। अब इसने कैसे दान मांगा मैं आपको बताता हूँ। वीडियो के पीछे मैंने बहुत सारे कमेंट पढ़े, कमेंट्स के जवाब भी दिए थे। बहुत सारे लोगों को डाउट है अभी भी अन्य भाषा के विषय में, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये आप सबके साथ शेयर करूं कि मुझे कैसे अन्य भाषा का वरदान मिला। तो ये मैं आज आपको बताने वाला हूं कि क्या क्या हुआ मेरे साथ। वो भी एक टेस्टिमनी है, मेरी गवाही है कि मुझे कैसे मिला। इसके बाद आपको और अंदाज़ा होगा कि ये कितना सच्चा है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी ये कह रहे हैं कि ऐसा होता ही नहीं है, ये तो कोई और भाषा है, ये तो कुछ और बोल रहे हैं, और मैं गलत बता रहा हूँ, मैं लोगों को सिखा रहा हूँ, मैं अन्य भाषा का वरदान दे रहा हूँ, कई सारी बातें लोगों ने। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वो लोग हैं जो इनकार कर रहे हैं और क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो प्रार्थना नहीं करना चाहते, जो समर्पण नहीं करना चाहते, मांगना नहीं चाहते। जब मांगोगे ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से। तो ये वरदान मांगने वालों के लिए है, ठीक है। यह वरदान कौन सा है? मांगने वालों के लिए। तो यह आदमी कल आ रहा है, और विनोद और उसके जितने भी लोग हैं अभी सुन रहे होंगे, अगर विनोद तुम चले गए ना तो तुम्हारे लोगों से पूछवा लेना। मैंने ये स्टेटमेंट बोला है, तुमने क्या कहा? यह वरदान मांगने वालों के लिए। तो मुझे उसका रेफरेंस देना कि अन्य भाषा का दान मांगने पर ही मिलता है, ये प्रूफ करना तुम। तो मैं बताता हूं मुझे कैसे मिला। ध्यान से सुनिए, ये उन दिनों की बात है जब मैं प्रभु में बढ़ रहा था, नया नया ही आया था, मेरे लिए सब कुछ बहुत नया था, है ना। मसीहत मेरे लिए बिल्कुल नहीं थी, तो मेरे लिए बिल्कुल नया। मैं चर्च जो है जाता था, सीखता था, आराधना के गीत सीख रहा था, किस तरीके से लोगों से मिलें, किस तरीके से बात करें, और लोग हमारा व्यवहार कैसा होने चाहिए, ये सारी बातें मैं सीख ही रहा था। हर संडे मुझे चर्च जाना बहुत अच्छा लगता था, वहाँ पर आराधना होती थी तो मुझे बड़ी शांति मिलती थी, अच्छा लगता था मुझे। और अच्छे मेरे मित्र हैं मैक्स भाई, मैक्स। अब आप देख रहे हैं बात करते करते क्या डाला है इसने, सपोर्ट द मिनिस्ट्री सेंड योर सीड ऑफरिंग। ऑफरिंग की सीड मतलब पैसे का बीज, जी पे, पेटीएम, फोन पे, और ये उसका नंबर है UPI। ये क्या है पूरा, विनोद कुमार? अच्छा, इसका ये है UPI ID, वो भी अलग से आता है, उसमें भी डालते पैसा। वाह विनोद, जब भीख ही मांगना था तो ठीक से भीख मांग लेते, ये कौन सा तरीका है? तुम अपनी गवाही दे रहे हो, आगे रखूँगा मैं तुम्हारी, और तुम अपनी गवाही दे रहे हो और ऊपर से पैसे मांग रहे हो, ये है ना तुम्हारी असलियत। अभी इसको मैं ये लाइन सुनाता हूँ, सुनिए। उनका नाम तो उनसे, उन्होंने मुझे एक दिन बातों बातों में अन्य भाषा के वरदान के बीच का जिक्र किया, तो मैंने उनसे पूछा कि अन्य भाषा कौन सा अन्य भाषा? जिब्रिश का जिक्र किया, नॉट ग्लोसा। ये यहाँ फंस गया था उस दिन, ये अच्छा अच्छा चर्च में आ रहा था, अभी बोला ना मैं नया नया था, मैं सीख रहा था। तो एक आदमी का नाम लिया है, उस आदमी ने उसको जिब्रिश के बारे में बोल दिया। तो जब इसने जिब्रिश को, ये अन्य भाषा बोलेगा, ठीक है, जब इसने सुना, आइए क्या बोलता, सुनते हैं। वरदान ये कौन सा वरदान होता है? क्या बोला इसने? ये कौन सा वरदान होता है? यू अंडरस्टैंड? तो विनोद तुम यहां फंस गए। अगर तुमने उस भाई से नहीं पूछा होता और वो भाई ने तुमको जिब्रिश के बारे में नहीं समझाया होता, और विनोद मैं तुमको दूसरा बोलता हूं, एक कहावत के रूप में, आसमान से गिरे खजूर में अटके। तुम अन्य जाति थे, तुमको आना था सही ट्रैक पे, लेकिन तुम पहुंच गए ऐसे मोमेंट में जहां पे ये जिब्रिश बोला जाता है, तो इसको कहते हैं आसमान से गिरे खजूर में अटके। अगर तुम मुझ जैसे सही सेवक, खरे प्रचारक 10% वहां आते ना, तो हम तुमको पवित्र आत्मा का दान का जिक्र करते, ना कि जिब्रिश का। और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे को मिल ही चुका था विनोद, तुमने 25 दिन फास्टिंग क्यों की या जो भी किया तुमने, क्योंकि यह तो परमेश्वर का आत्मा तय करेगा कि तुमको क्या देना है, लेकिन नहीं, तुमको गलत आदमी मिल गया और तुमको पट्टी पढ़ा दिया। आगे सुनते दोस्तों, टाइम थोड़ा नहीं, जाएगा। उन्होंने बताया कि ये परमेश्वर की ओर से मिलता है विश्वास करने वालों को। जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे बड़ा अचंबा हुआ कि ऐसा वरदान जो परमेश्वर की ओर से मिलता है, क्योंकि ऐसा तो हमने
आपने पूछा उस भाई को कि ऐसा दान बाइबल में कहां है? आपने पूछा? अगर आपने उस दिन पूछा होता ना, तो दिल्ली वाली वो जो सिस्टर है ना, तुम उसकी वीडियो उठाकर तुम उसको ऐसा बोलते नहीं। तुम्हारी ये गलती है। तुमको पूछना था कि ऐसा कौन सा दान है जो परमेश्वर ने आपके मुंह से मेरे को बुलवाने के लिए रखा इसके हिसाब से, लेकिन क्या वो बाइबल में है? पौलुस बार बार कहता था परखो परखो परखो, लेकिन इसने नहीं परखा। ये यहीं फंस गया, खुद तो फंसा। अपोस्तल विनोद कुमार के जितने भी फॉलोवर्स हैं, ये आदमी खुद तो फंसा, लेकिन तुमको भी फंसा गया, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। ये मेरी आवाज नहीं है, ये परमेश्वर की आवाज है जो तुम लोगों के लिए आ रही है। ये परमेश्वर की भाषा है, ये परमेश्वर का शब्द है। यही तो पढ़वाया था ना कल इब्रानियों 12:5 में, यदि उसकी ताड़ना सुनो तो अपने मन को कठोर मत करो। परमेश्वर जब ताड़ना देता है तो हम जैसों के द्वारा ही तो देता है। तो मैं कहता हूं कि सबसे पहले ये तो जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन तुम लोग बाहर निकलो जल्दी से और अभी निकलो। इसको कहते हैं भागो, इसके यहां से भागो, इसको अनसब्सक्राइब करो सबसे पहले, क्योंकि ये एक ऐसे आदमी को सुनकर उसके अंदर फंस गया। आगे सुनो क्या बोलता है। ना तो सुना था ना देखा था, क्योंकि हमने तो वरदान तो वही देखे हैं बचपन से लेके बड़े होने तक। हम वो टीवी सीरियल आते थे हनुमान शिवपुरी वगैरह हैं, वो 1000-2000 साल जो है वो उसके बाद वो काम करने लगे। काल्पनिक है, इनका सच्चाई से कोई बात, लेकिन कभी पता था कि ऐसा कोई वरदान। तेरी ऐसी बातों की वजह से तू मार खाते खाते बचा विनोद, तेरी ऐसी बातों की वजह से तेरे ऊपर केस हुआ है। मत कर आ बहल मुझे मार वाला काम मत कर। सबको पता है कि कौन सी किताब में क्या लिखा है, लेकिन तुझे अलग से मस्ती चढ़ी हुई है। मैं यूट्यूब पे आऊंगा, ये बता दूंगा, यहां से पढ़कर वो बता दूंगा, फिर तेरे ऊपर अलग से एक्शन हो जाता है। मिनिस्ट्री करो ना। पौलुस भी था ना एथेन में, उसने जब पूरा शहर को मंदिरों से मूर्तियों से भरा पड़ा देखा, तो उसने ये थोड़ी कहा कि मैं तुमको इसका बताऊंगा, मैं तुमको उसका बताऊंगा। उसने ऐसा कुछ नहीं किया, उसने कहा कि अनजाने ईश्वर के लिए जो पत्थर पर लिखा है मैं तुमको उसका प्रचार करता हूं। इसको कहते हैं, यीशु ने क्या कहा मत्ती 10:16 में, कबूतरों की नाई भोले और सांपों की नाई चतुर। तुमको लकड़ी नहीं तोड़नी थी, सांप मारना था, लेकिन तुम सांप को भी मारने गए और लकड़ी भी तोड़ दिया। आगे सुनते हैं। मिलता नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, भगवान से कोई मदद नहीं मिलने। ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो कुछ अचंभी बात है। तो उसके बाद मैं और पूछने लगा कि ये क्या होता है, अन्य भाषा का वरदान क्या होता है, कैसे मिलता है। तो उस भाई ने मुझे बताया कि प्रार्थना के दौरान जब आप प्रार्थना करो तो मांगो परमेश्वर से प्रार्थना में कि परमेश्वर पिता अन्य भाषा का वरदान दो। तो मुझे अब मैं आपको कह रहा हूँ विनोद, और इसके जितने सुनने वाले उनको भी कह रहा हूँ, परमेश्वर का दान मांगा नहीं जाता, नहीं मांगना है। ये परमेश्वर तय करेगा कि किसको देना है। अभी मेरे पास में टाइम नहीं है, नहीं तो मैं एक एक वचन पढ़वा, लेकिन तुम कल आ रहे हो और मैं चाहता हूं कि तुम आओ और पूरी तैयारी के साथ आओ। तो मैंने बोला कि मुझे बताइए मैं क्या करूं, तो ब्रदर ने बात बोली कि आप प्रार्थना करो, प्रार्थना में मांगो। सो पावर पॉइंट वर्सेस कैनवा और गूगल स्लाइड्स फॉर योर नेक्स्ट प्रेजेंटेशन, व्हाट शुड यू यूज द आंसर, और आपको मिल जाएगा। अब उन्होंने ये तो बोल दिया, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं प्रार्थना करूं कैसे और मांगूं कैसे और बोलूं क्या प्रार्थना में। देखा, आज इसने कन्फेस किया है आप लोगों के सामने और मैं पूरी मसीह जनता के सामने ये बात को रख रहा हूं कि ये व्यक्ति ऐसा पायलट है जिसने प्लेन चलाना सीखा ही नहीं और कहता है कि मैं पायलट बन जाऊंगा। जब तुमको बाइबल का नॉलेज नहीं था, जब तुमको बाइबल का ज्ञान नहीं था, तो तुम गलत आदमी के हाथ में पड़ गए और उस व्यक्ति ने तुमको पट्टी पढ़ा दिया। आगे सुनते हैं। तो मैंने बोला ठीक है मैं प्रार्थना करूंगा। तो मैं घर आया और उसके बाद मैंने प्रार्थना करना शुरू कर दिया, और मैं प्रार्थना में, मतलब अन्य भाषा के वरदान जानने से पहले मैं प्रार्थना में इतना एक्टिव नहीं था, करता था प्रार्थना लेकिन इतना एक्टिव नहीं था, लेकिन ये वरदान मांगने के लिए मैंने प्रार्थना में एक एक घंटा बिताना शुरू कर दिया। मैं ऑफिस से आता था, यू अंडरस्टैंड, एक एक घंटा इस धान के लिए। कौन सा धान? जो प्रभु खुद देता है, नॉट जिब्रिश ग्लोसा। एक एक घंटा टाइम वेस्ट किया इसने, और जितने इसके फॉलोवर्स हैं ना, मैं आपको बताऊं, आपको प्रार्थना करना है ना,
परमेश्वर के नाश होने वाले लोगों के लिए। आपको प्रार्थना करना है आपके शहर के लिए, आपको प्रार्थना करना है आपके परिवार रिलेटिव्स जिनका उद्धार नहीं हुआ है उनके लिए प्रार्थना करना है। जो चीज ये तो ऐसा हुआ ना कि आपका उद्धार हो गया है और प्रार्थना कर रहे दो दो तीन तीन घंटा, प्रभु मेरा उद्धार कर दे, मेरा उद्धार कर दे। ऊपर से प्रभु बोलता है पागल, मैं तेरा उद्धार कर चुका हूं, इसके लिए तू प्रार्थना क्यों कर रहा है? जिस चीज को परमेश्वर मुफ्त में दे चुका है इसको ऐसी टीचिंग मिली कि उसके लिए एक एक घंटा बैठ के प्रार्थना करो। अब इसकी टीचिंग का लेवल देखो, आगे सुनते थोड़ा सा। कोई डिस्टर्ब नहीं करता था वहां पर, तो कमरे का मैं आपको वो पॉइंट पे लेके आ रहा हूँ क्योंकि टाइम हो रहा है। मिल जाएगा आज तो मुझे मिली, और जब एक हफ्ता हो गया तो फिर मैं गया दोबारा, मैंने ब्रदर से पूछा, हम फिर मिले मीटिंग में, प्रेयर मीटिंग के दौरान फिर मिले। मैंने बोला ब्रदर मुझे तो मुझे एक हफ्ता हो। अब ये लाइन सुनो, ऐसे करते करते अचानक से मेरी जुबान लड़खड़ाने लगी। धन्यवाद, क्या बोला इसने, अचानक से मेरी जुबान लड़खड़ाने लगी। मैं आपको वीडियो सुनाता हूं, इनफैक्ट सॉरी, अच्छा यहां पर है, मैं आपको वीडियो दिखाता हूं कि लड़खड़ाते कैसे हैं, हरकत कैसी होती है, वो पहले दिखा देता हूं। किधर गया? अब इसकी वॉल्यूम बहुत है, शायद कम करना पड़ेगा। विनोद, तुम इसको कहते हो तुम ये मांग रहे थे? यस, तुमने खुद भी मांगा और तुमने अपने दो लोगों को भी पहाड़ पे लेकर गए। मैं तुमको वो भी दिखा देता हूँ पहले, और उसको भी तुमने यही करवा दिया। कहाँ गया? तुमने उसको भी यही करवा दिया, राइट? मैं आपको बताता हूँ कि इसने क्या किया है। किधर गया? ये वाला, अभी सुनिए दोस्तों। डोंट स्किप प्रोटीन, जस्ट स्किप केमिकल्स। हेलो, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। आज पहली बार यूट्यूब के ऊपर हम आपको दिखाएंगे कि अन्य भाषा का वरदान लाइव मिलते हुए। हमारे बीच में है ब्रदर सुरेश और ब्रदर गणेश, और इनके पास इसको, जबकि बोलना चाहिए था कि हम आपको लाइव दिखाते हैं जिब्रिश का दान कैसे मिलता है, जिब्रिश। अब इसकी एक एक लाइन सुनना, आज थोड़ा टाइम जाएगा, बर्दाश्त करना। अभी तक अन्य भाषा का वरदान है आपके पास? नहीं। आपके पास अन्य भाषा का वरदान है? इन दोनों के पास अन्य भाषा का वरदान नहीं है। मैं रात को प्रार्थना कर रहा था तो प्रभु ने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया, प्रभु ने मुझे ये बोला है कि आज इन दोनों को अन्य भाषा का वरदान मिलेगा। ठीक है, ओके, बहुत ध्यान से सुनना। इसको बोला है कि अन्य भाषा का दान मिलेगा, जबकि ये दोनों भी प्रभु के लोग हैं। इसको बोला, उसको नहीं बोला। अब बताओ ये बन क्या रहा है? हीरो। ये बन क्या रहा है? परमेश्वर की जगह ले रहा है। और इन दोनों को इसने क्या बना के रखा? हाथों की कठपुतली। मुझे प्रभु ने बताया कि आज तुम दोनों को दान मिलेगा, जबकि मैं इन दोनों की जगह होता तो मैं उल्टा इसको पूछता, पास्टर विनोद या अपोस्तल विनोद जी, मुझे क्यों नहीं बताया प्रभु ने, आपको ही क्यों बताया? हद है यार विनोद। और तू मेरी एक वीडियो को उठाकर तुझे लगा कि तू बहुत बड़ा शेर बन गया, तुझे ये नहीं करना था तो आज ये नहीं होता ना। अभी इसकी बकवास देखो साहब, आइए सुनते हैं। और इससे पहले कि हम प्रार्थना करना शुरू करें, मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं कि अन्य भाषा के वरदान जब आपको परमेश्वर देने जा रहे हैं, कुछ बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। वो बातें क्या? वो ये कि जब आप प्रार्थना कर रहे हैं तो आपने उस समय तक, जिस समय तक आपका ध्यान, जब आप प्रार्थना करते हो ना, तो शुरुआत में क्या होता है, आपके ध्यान में सब तरह की बातें, इधर उधर की बातें आती हैं। आपने क्या करना है, प्रार्थना करने के दौरान अपने अपने आप को और गहराई में लेके जाना है। ठीक है, आत्मा की गहराई। अब आप इसका गहराई का कॉन्सेप्ट जानना चाहते हैं, ये कहाँ से आया वो भी बता देता हूँ। इसका गहराई का कॉन्सेप्ट, इसको रिफ्रेश करना है ना, इसका गहराई का कॉन्सेप्ट, अरे भाई बस कर, इसका गहराई का कॉन्सेप्ट
वो वीडियो प्ले करो, लेडी का वीडियो प्ले करो, कुंडलिनी जो सबसे फर्स्ट में देखो। हेलो प्ले करो, प्ले करो यू ऑल। आज उसमें नहीं नहीं उसमें आया क्या? तुम यहाँ पे क्यों देख रहे हो? यहाँ पे नहीं आएगा, वहाँ पे आएगा, वहाँ पे आ गया, पूछ रहा हूँ मैं। हेलो प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। बस कर, नहीं हो रहा है। मैंने उसको रोक दिया और उसके बाद फिर मैं काम पे से फटाफट भागा भागा वापस आया। फिर मैंने वापस बैठी उसी भाषा में, अन्य भाषा में प्रार्थना। आप उसको बोल रहे हो कि तुम्हें, आप उसको बोल रहे हो कि तुम्हें शैतान ने वरदान दिया है। लोगों ना को कुछ नया चाहिए, लोगों को कुछ, एक तो उन्हें अपने कान की खुजली मिटानी है और दूसरा उन्हें कुछ नया चाहिए। ओके ना दोस्तों, किधर है? हाँ ये लड़की, अब इसको सुनो पहले। हाईएस्ट पेड एंट्री लेवल जॉब इन द वर्ल्ड इज नॉट ऑफ अ प्रोडक्ट मैनेजर और अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। बहुत ध्यान से सुनना। हेलो एवरीवन, टुडे आई वुड लाइक टू शो यू ऑल हाउ टू स्टार्ट डूइंग योर ओन लाइन लैंग्वेज। सो हाउ इट वेंट फॉर मी हैज बीन क्वाइट एन इंटरेस्टिंग जर्नी। सो लाइक फॉर मेनी अदर्स व्हिच आई हैव अंडरस्टूड थ्रू you know reading posts and comments. Okay, main aapko batata hu ki ye activities kya hai, isko kehte hai light language. Ye avishwasi hai African countries mein, American countries mein, even India mein bhi. Aapko India mein bhi ye practice karte hue mil jayenge, jahan pe ye sikhate hain ki aapko deep jana hai, aapko khud ko kya kehte hai na bhul jana hai, aapko apne sharir ko puri tarah se dheela kar dena hai, aapko jo hai na ek atma ke haath mein khud ko saunp dena hai. Ab iski practice yahan se shuru hoti hai. Number bolo. 6:36 से इसकी प्रैक्टिस शुरू होती है, क्योंकि टाइम नहीं है इसलिए मैं आपको जल्दी से लेके जाके वो पॉइंट पे लेके आके दे देता हूँ ताकि आप सुन सको। सुनिए, that nobody told you what is what, you know, just this intuitive language like irisana eya sawaranatika suyatana seyara or ananasi iranana uasamana iranasi irna tuahna era or ea sera ya sura sorara era so arati uasuma. Wish I still had my journey and I could not really, you know, recognize my language. Now I really feel like there are tendencies of ye keh rahi hai ki main jo bol rahi hu usko mujhe samajh mein nahi aa raha hai. Ab batao ye practice ko hum kya naam de? Demon, Lucifer. Aur wahi cheez tumne kya kiya hai? Kidhar gaya abhi ye? Wahi cheez tumne kya kiya hai inko bicharon ko tumne yahan pe laake यहाँ पे लाके क्या बोल रहा है जरा सुनो। पहले प्रभु यीशु मसीह की, परमेश्वर की दया मांगनी है कि आपको अन्य भाषा का वरदान मिले और उसके बाद आपने क्या करना है? मैं इसको वापस कह रहा हूँ कि भैया अन्य भाषा का दान यानी ग्लोसा मांगते नहीं है, किसी भी प्रकार का दान नहीं मांगना है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि परमेश्वर आपको कहाँ ले जा रहा है, क्या मिनिस्ट्री दे रहा है, क्या सेवा दे रहा है। आपको परमेश्वर पर निर्भर रहना है कि प्रभु तू बोल, क्या तू चाहता है वो मैं करूं, उसके हिसाब से दान यूज होता है। ये तो ऐसा हो गया बड़ा, देखो कितना मजाकिया होगा, इलेक्ट्रिशियन वाला आदमी अपने टूल बॉक्स में, मतलब अपने बक्से में इलेक्ट्रिशियन से संबंधित कटर होता है, स्क्रू ड्राइवर होता है, मतलब सब कुछ होता है औजार। अब आप सोच के देखिए, वो पूरे टूल बॉक्स को घर पर रखता है और सिर्फ कटर लेके घूम रहा है। और इलेक्ट्रिशियन वाला जिसका इलेक्ट्रिक का प्रॉब्लम है, वो कहता है कि भैया मेरी गाड़ी, मतलब घर में लाइट नहीं है, उसको ठीक कर दे। वो कहता है कि यस मैं अभी कर देता हूँ। वो पूछ रहा है भाई तेरा बैग किधर है, तेरा टूल बॉक्स किधर है? कहता है ये कटर है ना। क्या मूर्खता है विनोद, तुम कटर लेकर दे रहे हो इनको, जबकि परमेश्वर का आत्मा कहता है कि मेरा पास पूरा का पूरा टूल बॉक्स है, मतलब पूरा का पूरा बक्सा है, तेरे को जब जब जो जो चाहिए होगा ना वो मैं तय करूंगा, तू नहीं तय करेगा। अब ये दो बिचारे, ये लोग भी अगर देख रहे हैं ना, तो जितना जल्दी हो सकता है इस आदमी को छोड़ के भागो, क्योंकि इसके अंदर गलत आत्मा आ गई है। इसने कन्फेस किया है, इसने क्या कहा, जब मैं नया नया था मुझे नहीं पता कि यह भाषा क्या होती है, उसका शिकार हो गया ये, और ये तुमको भी पढ़ा रहा है और सबको सिखा रहा है। इसकी बहुत सारी वीडियो देखी है मैंने आज,
इसको सुनते थोड़ा सा बाद आपने थोड़ी देर और 5-7-10 मिनट आपने प्रार्थना करनी है कि पवित्र आत्मा जी जुबान पर नियंत्रण लो, ये आपके ऊपर है, आपके आपको कितनी देर दया के लिए प्रार्थना मांगनी है, क्योंकि जब ठीक है क्योंकि एक क्योंकि शुरुआत में आपके दिमाग में तरह सब तरह की बातें बातों से हटकर प्रार्थना करनी है कि पवित्र आत्मा जी जुबान पर नियंत्रण लो, ठीक है। और उसके बाद जब आप ऐसा कहीं लिखा है विनोद, ऐसी प्रैक्टिस कहीं पे लिखी है? तुमने बच्चों को बिगाड़ा है, और ये जवान बच्चों को मैं कहना चाहता हूं निकलो बाहर इसके आदमी से। तूने मुझे क्या बोला था, लूसीफर का चेला, मेरी एक हरकत निकाल के बता दे जो बाइबल के बाहर है। मसीह जनता मैं आपको भी कहता हूं, मेरी एक एक्टिविटीज बाइबल के बाहर अगर होगी मुझे फॉलो करना बंद कर दो। लेकिन इसकी कितनी एक्टिविटीज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, इस वजह से कह रहा हूं कि इसको छोड़ के भाग जाओ या इसको अनसब्सक्राइब करो। सुनिए, 7 मिनट जब ये प्रार्थना करोगे उसके बाद आपने ये विश्वास करना है कि पवित्र आत्मा जी ने नियंत्रण ले लिया है आपकी जुबान के ऊपर, ठीक है। और जब ये विश्वास करना है उसके बाद धन्यवाद करना है पवित्र आत्मा जी आपका धन्यवाद अन्य भाषा का वरदान देने के लिए, ठीक है। उसके बाद पवित्र आत्मा जी आपका धन्यवाद, आपने अन्य भाषा का वरदान दे दिया है। पवित्र आत्मा जी धन्यवाद 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 धन्यवाद। और जब धन्यवाद कर रहे हो ना तो अपने आप को पवित्र आत्मा के ऊपर फोकस कर दो, पवित्र आत्मा जी धन्यवाद 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 धन्यवाद, पूरा गहराई में जाकर, ठीक है। जब इस तरीके से आप पूरी गहराई में जाओगे तो एक समय ऐसा आएगा कि पवित्र आत्मा आपकी जुबान को पकड़ लेगा, ठीक है। पवित्र आत्मा आपकी जुबान को पकड़ लेगा और आपकी जुबान जो है वो लड़खड़ाने लग जाएगी, जुबान लड़खड़ाने। अब बताइए ये कौन सी प्रैक्टिस है, लाइट लैंग्वेज, ये कौन सी प्रैक्टिस है, कुंडलिनी, जो अविश्वासी करते हैं ये वो सिखा रहा है। इसको कहां से सीखने मिला, इसको कहां से पता चला, क्या बाइबल के अंदर ऐसा किसी ने किया? जब इसके पास फोन पे बात कर रहे थे ना, रिकॉर्डेड है यूट्यूब पे, जानते हो इसने क्या कहा कि 120 लोग निकाल के रखो एक्ट चैप्टर 2। आज थोड़ा टाइम जाएगा दोस्त, आप लोग टाइप करके बता दो, अगर थोड़ा टाइम जा रहा है तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, मतलब ज़्यादा भी नहीं, जरा टाइप करके बता दें, थोड़ा सा टाइम ले लेंगे। एक्ट चैप्टर 2 एक से पढ़ना है आपको। इस आदमी ने कहा कि 120 पवित्र आत्मा पाने के टाइम प्रार्थना कर रहे थे, जबकि चैप्टर 2 के अंदर विनोद अगर तुमको एक भी शब्द प्रार्थना का मिल गया तुम जो बोलो हार जाएगा। आइए पढ़िए। जब पिंते के उसका दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी। एक मिनट को बोलो, हाँ तो दीपक मोरे दीपक मोरे मेरे से बात कर ले बेटा एक बार, ओके वापस पढ़ो लाइन को। जब पेंटेकोस्ट का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे, एकाएक आकाश बस से... वे सब एक जगह इकट्ठे थे और तुमने क्या कहा, वो प्रार्थना कर रहे थे। तुम यहां पे छठिया या सातवीं बार तुम फेल हो गए। एक्ट चैप्टर 1 में ठीक है, लेकिन एक्ट चैप्टर 2 क्या चल रहा है, एक सेलिब्रेशन है वहां, पेंटी पेंटी पेंटिकॉस्ट जूश का फेस्टिवल है, वो एक जगह इकट्ठे थे क्योंकि उनको पता था कि 10 दिन के बाद में जो यीशु ने बोला वो आएगा, वो इकट्ठे थे। मैं इसके खिलाफ भी नहीं हूं कि प्रार्थना नहीं करना चाहिए, लेकिन जो तुमने कनेक्शन जोड़ा है ना कि प्रार्थना कर रहे थे इसलिए अन्य भाषा या उनको पवित्र आत्मा मिला, ये कॉन्सेप्ट गलत है। फिर मेरे को कॉर्नेलियुस के पास जाना पड़ेगा जहां पर एक्ट चैप्टर 10:44 में जब पत्रस बात ही कर रहा था कि पवित्र आत्मा आ गया। और वो छोड़िए, मुझे फिर प्रेरितों की किताब 19:1 में जाना पड़ेगा जहां 12 चेले जॉन द बैप्टिस्ट के वो चलकर जा रहे थे, पौलुस ने उनको मिला और उनको रोका, क्या तुमने पवित्र आत्मा को पाया विश्वास करते वक्त? में कहते हमने तो चर्चा तक नहीं सुनी, उनको तो ABCD नहीं पता था। जब उन्होंने बपतिस्मा लिया सही वाला टीचिंग पाई सही वाली, जब पौलुस ने उन पर हाथ रखा तब उनको पवित्र आत्मा मिला। वो कौन सा तैयार थे, वो कौन सा प्रार्थना में थे, तो क्या बकवास करते रहते हो तुम? अब इसको सुनते थोड़ा सा जाएगी। जब पवित्र आत्मा अन्य भाषा का वरदान देता है तो शुरुआत छोटे शब्दों से होती है, ठीक है, रा 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 बा 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 रा 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 ला ला ला, ऐसे 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 छोटे शब्दों। अब आपने सुना मैंने जो वीडियो बनाई थी दिखाई थी, माफ करना, रा 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 बा 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 ला 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 लबा लबा शबा शबा, ये कहां है बाइबल में, ये कहां है बाइबल में? आप सोच के देखिए क्या सिखा रहा है ये आदमी। जबकि पेंटिकोस के दिन एक्ट चैप्टर 2
कुर्नेलियस के टाइम एक्ट चैप्टर 10, पौलुस के टाइम 12 लोग एक्ट चैप्टर 19, इन सभी जगहों पर वो भाषा थी जिसको साफ साफ कहते हैं ग्लोसा, जो समझा जाता था, रबर अबा नहीं। हद है साहब, आगे सुनो क्या बोल रहा है, थोड़ा सा टाइम और। बच्चा होता है ना, एक एक अक्षर करके सीखता है, तो वैसे आपकी छोटे शब्दों से ही शुरुआत होती है, और जब ऐसा हो तो आपका दिमाग आपसे क्या बोलेगा कि तेरे जुबान लड़खड़ा रही है, यानी भाषा का वरदान नहीं है, तो इसको रिजेक्ट करना है, ठीक है? उसको रिजेक्ट करना है, ये अन्य भाषा का दान नहीं है, इसको रिजेक्ट करना है। अब मेरे को बताओ कि ये जो आदमी बैठा है ये कहता है कि ये इनका पास्टर है, अपोस्तल है, जो भी है, अब मुझे बताइए, मुझे कहता है कि लूसीफर का चेला, अब इसकी बातों से बताइए ये किसका चेला है, आप लोग तय करो, मसीह जनता। बाप रे, और ये ऊपर से कहता है डीप जाना, आगे बोलेगा जो कि मेरे पास टाइम नहीं है, डीप जाना, डीप अपनी बॉडी को ढीला कर देना, आगे जाके देख लेना आप लोग। और उसके बाद नतीजा आता है ये वाला, देखिए आप सुन लीजिए। धन्यवाद अन्य भाषा का वरदान उंडेलने के लिए पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। अभी विनोद अपोस्तल विनोद, तुमसे एक सवाल पूछूं, जब ये रा 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 बाबा बाबा वो जो भी बोल रहे हैं, क्या तुमने इनको पूछा कि ये जो तुम बोल रहे हो इसका अनुवाद किधर है, इसका अनुवाद किधर है? जबकि पहला क्रंथ निकाल के रखो, जबकि पहला क्रंथियो 12 का एक में क्या लिखा है, जल्दी पढ़ना, पहला क्रंथियो 12 का एक में, विनोद अगर तुम अभी देख रहे हो और जो तुम्हारे लोग हैं वो भी देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि तुम अपने पास्टर विनोद को पूछो, और ये दो भाई लोगों को भी कहूंगा पूछो, क्या आपने हमको ये क्यों नहीं सिखाया? सुनिए, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। एक सेकंड, क्या देता हूं? चेतावनी। इसका वॉल्यूम करो, यहां पर है। ओके, पढ़ो। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है। एक सेकंड, उसको फिर रिपीट करो और मेरा थोड़ा बढ़ाओ जी। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अभी जो लास्ट में पढ़ा, वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है। रिपीट। वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है। फिर से। वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है। तो इसका मतलब है कि ऐसी आत्मा है जो यीशु को श्रापित बुलवाएगी, और ये जो रबा रबा शबा शबा है ना, इसमें तुम यीशु को श्रापित बुलवा रहे हो, तुमको पता तक नहीं। अब ये क्या बोल रहे हैं फिर से सुन लो। आप सुन रहे रबा 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 रबा, इसने रोक के बोलना चाहिए एक मिनट रुको, अनुवाद किधर है? क्योंकि पौलुस कहता है कि अन्य भाषा यानी ग्लोसा, इसके हिसाब से जिब्रिश, मेरे हिसाब से ओरिजिनल ग्लोसा। जब तुम बोलो तो बिना अनुवाद के ना बोलो, जल्दी निकालो, पहला कुरिन्थियों 14 का 27, फर्स्ट कुरिन्थियों 14:27। और विनोद तुम भी सुनो, और ये दो भाई लोग तुम भी सुनो, ये वीडियो एडिट होगा ना तो इनको शेयर करो, इन तक पहुंचाओ। यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो दो या बहुत हो तो तीन जन बारी बारी में बोले और एक व्यक्ति अनुवाद करे। एक सेकेंड, क्या बोले? बारी 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 वाला क्या बोले? बारी बारी से बोले। बस, और यहाँ पे क्या चल रहा है? यहाँ पे बारी बारी चल रहा है, यहाँ बारी बारी चल रहा है, वो छोड़ो, आपस में अनुवाद हो रहा है, अभी सुनो, पढ़ो। और एक व्यक्ति अनुवाद करे। तो किसको अनुवाद करना चाहिए यहाँ पे, इनमें से किसको अनुवाद करना था? क्योंकि विनोद कहता है कि मेरे पास में अनुवाद का दान है, अनुवाद का दान है, 25 दिन प्रार्थना कर करके। अब आपको पता चला कि मैंने क्यों कहा था मसीह की देह में ये ऐसे लोग घुस गए हैं। मैं अपना प्रचार कर रहा था ना विनोद, मैं अपना चुपचाप प्रचार कर रहा था, मैं सबको एक्सपोज करता था लेकिन किसी को टारगेट नहीं करता था, मैं उनकी टीचिंग को एक्सपोज करता था। और इसका नाम क्या है? मोरे दीपक मोरे, दीपक मोरे, मैंने कभी तेरे नाम लेकर तेरे को कभी ये किया, एक्सपोज किया? तो तू अभी मेरे प्रोग्राम में क्यों भौंक रहा है?
मेरा नंबर है 9982335777। अगर धम है तो कॉल करके बता, मैं तेरे से बात करता हूँ। क्या नाटक चल रहा है यार, मसी जनता। मैं अभी एक चीज़ और दिखाऊंगा, क्योंकि विनोद को वो चीज़ दिखाना ज़रूरी है। किधर गया? हाँ, विनोद को एक चीज़ नहीं मालूम है। ओके, यहाँ से रखता हूँ और फिर उसके बाद ख़त्म करता। मसी जनता आप भी देखो, ये वो आदमी था और ये इसको देख लो, यहाँ पे भी इसकी अकाउंट डिटेल्स है, यहाँ पे भी इसकी अकाउंट डिटेल, और ये वो वीडियो है जहाँ पे ये बता रहा है कि प्रार्थना कौन से पोजीशन में बैठ के करना है, बैठ के, घुटने पे, टेढ़ा एड़ा पेड़ा, जो भी कर रहा है ये सबको दिखा रहा है। और इसकी जो पब्लिक है ना, जो बेचारे को ये उल्लू बनाते रहता है या जो भी है, वो कहती है अरे वाह, बैठ के करो, लेट के करो, खड़े रह के करो, ये तो कॉमन सेंस है ना। लेकिन नहीं, तुमको तो ये सब चाहिए ना, तो ये कहाँ से मिलेगा? अब विनोद ध्यान से सुनो, क्या तुम इसको जानते हो? क्या तुम इसको जानते हो? इसका नाम है रॉडनी हॉड ब्राउन। ये आता है टोरंटो से। जब रिवाइवल स्टार्ट हुआ था ना, टोरंटो रिवाइवल, जाके यूट्यूब पे चेक करो, मैं इस आदमी के साथ में उठा बैठा करता था। और तुम बात करते हो कि डैनियल राज ने कभी जिब्रिश नहीं बोली, क्योंकि मुझे तभी ये कॉन्सेप्ट नहीं पता था। जैसे तुम फंस गए ना उस आदमी के हाथ में, मैं भी फंस गया था। बात समझ में आ रही है? लेकिन 2014 के अर्ली में मेरे को यह बात पता चल गई थी कि बहुत बड़ा गड़बड़ चल रहा है मसीह के दय में, और वो है जिब्रिश। तुम दान की बात करते हो, तुम सामर्थ की बात करते हो, तुमने क्या कहा था जब फोन आया था एक साल पहले? शिक्षा। और अभी तुमने क्या कहा था? ये सिर्फ टीचिंग में बांध के रखता है। और तुमने अपने वीडियो में क्या कहा कि 10 मीटर के दूर तक शैतान मेरे पास नहीं आता। तुम्हारी एक वीडियो देख चुका हूं, अभी मैं चाहिए तो टाइम नहीं है, पिले भी कर दूं। तुम उसको एक दुष्ट आत्मा को निकालने में तुम्हारी हालत खराब हो गई। शैतान दूर तक मेरे पास 10 मीटर तक नहीं आता। लुसीफर को, तू दुष्ट आत्मा को तुम खुद पकड़ के प्रार्थना कर रहे हो। और मैं वीडियो में क्या देख रहा हूं कि जब तुम्हारा हाथ से नहीं हुआ तो तुमने उसके सर पे, माथे पे या बॉडी पे बाइबल रख दी। बोला बाइबल रख देता हूं तब निकल जाएगा। तुम्हारे पसीने छूट गए थे वहां पे उसको निकालने में, और तुमने वीडियो बना दी कि देखो मैं दुष्ट आत्मा निकाल सकता। और बेचारी पब्लिक, आज दुष्ट आत्मा कौन नहीं निकालता? अच्छा, इसका और एक तमाशा है। एक वीडियो मेरे हाथ लग गया था जहां पे कहता है कि अगर किसी को दुष्ट आत्मा लगी है तो उसका सर को जोर से पकड़ो। बोला वो क्यों? बोलता है कि दुष्ट आत्मा को पता चलना चाहिए तुम्हारी पकड़ अच्छी है। बकवास। सर को जोर से पकड़ो, कंधे को जोर से पकड़ो, और वो बिचारे इसके भोले भाले लोग उसको उल्लू बना रहे। तुम दुष्ट आत्मा ऐसी निकलती है। दुष्ट आत्मा को यीशु ने अपने शब्दों से निकाला है। दुष्ट आत्मा को हुक्म दिया जाता है गेट आउट। और तुम्हारे नॉलेज के लिए बता दूं, मेरी मिनिस्ट्री को 30 साल हो गए, तुमने जितनी आत्मा नहीं बचाई होगी ना उतनी मैंने दुष्ट आत्मा निकाली है। मेरी मिनिस्ट्री को जाके यूट्यूब पे चेक करो। और तुम मुझे कहते हो कि इसको दान नहीं मिला है? तुम्हारे हिसाब से तो मिलना ही नहीं चाहिए था मेरे को, क्योंकि वो दान ही गलत था। जिब्रिश हद साहब। ऊपर से तुम्हारी एक एक बातें मुझे याद आ रही, लेकिन साथ में घड़ी देख रहा हूं मैं। कहते हैं कि ऐसे होते हैं हम लोग, हमको किसी का डर नहीं है। तो इतने डंके की चोट पे मैं और मेरी टीम और हमारा पूरा मसीह मंथन, और मैं यही टीचिंग तो देता हूं कि 20-20 18-18 12-12 साल का लड़का अगर वो यीशु के नॉलेज में आ गया, बड़े बड़े सेवकों की दूर की बात है, छोटे बच्चे तक को शैतान नहीं छू सकता। इसमें कौन सी नई बात है जो तुम बड़ा इतना तीर मार के बोल रहे थे? तो ऐसा बहुत सारा मसाला मैं तेरा निकाल सकता था विनोद, लेकिन तूने मेरी वीडियो पे हाथ नहीं लगाना था। मैं उस दिल्ली वाली सिस्टर को, उसकी बेटी को, इसके बिहाफ में, अपोस्तल विनोद के बिहाफ में उस दोनों सिस्टर से माफी मांगता हूं, क्योंकि आप लोगों को इसने सोशल प्लेटफॉर्म पे एक नेगेटिव तरीके से इस आदमी ने आप लोगों को दिखाया, जो कि विनोद बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना है। और मैं सबको कहना चाहता हूं ऐसा नहीं करना है।
अपना काम करो ना, अपना प्रचार करो, अपने तरीके से आओ, अपने तरीके से बात करो, लेकिन नहीं, तुम लोगों को तो कुछ अलग ही लग चढ़ता है।